अथर्ववेद घातक प्रयोग को लौटाना 14 क्रतः प्रतिहरणम ऋषि शुक्र देवता वनस्पति क्रतः प्रतिहरणम दुष्ट क्रतय का परिणाम दुष्ट क्रतय यदि दूसरे के घातपात के लिए किया जावे तो वह अंत में कर्ता का ही घात करता है। यह इस सूक्त का तात्पर्य है। इसमें कृतः नाम का कुछ घातक प्रयोग कोई दुष्ट लोग करते हैं, ऐसा जो विषय कहा है वह बड़ा दुर्बोध है और अब तक उस विषय में हमें कोई पता नहीं लगा है, इसीलिए हम इस पर अधिक कुछ लिख नहीं सकते। यदि कोई पाठक इस मारण प्रयोग के विषय में कुछ निश्चित और सप्रयोग ज्ञान रखते हों तो प्रकाशित करने की कृपा करें। अथर्ववेद सत्य का विजय 15 रोगोपशमनम ऋषि विश्वामित्र देवता मधुला वनस्पति ही सत्य से यश। इस सूक्त में ऋतावरी ऋतजाता औषधि का नाम है। यह कौन औषधि है इसका पता नहीं लगता, परंतु इस सूक्त में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई औषधि प्रयोग नहीं बताया है, परंतु जो निंदक शत्रु हैं उनको सत्य पालन और सत्य व्यवहार से ही ठीक करना और सत्य का महत्व सिद्ध करना ही बताया गया है। सत्य पालन करने वालों के लिए सब दिशाएं मधुरता युक्त हो जाती हैं, अर्थात उसके लिए कोई विरोधी नहीं रहता। सत्य पालन करने वाला मनुष्य शत्रु रहित हो जाता है, मानो सत्य पालन का व्रत ही सब दोषों को धोने वाली दोषधि अथवा औषधि है। इस सूक्त में कहीं संख्या का क्या भाव है वह समझ में नहीं आता। तृतीय अनुवाक समाप्त। आत्मबल 16 वृष रोग शमनम। मनुष्य में 10 इंद्रिय शक्तियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय में बड़ी भारी वृष शक्ति अथवा अश्व शक्ति भी कहिए है। शरीरस्थ आत्मा इन सब शक्तियों से युक्त रहता है। आत्मा के शरीर में आने के पश्चात उसको चाहिए कि वह अपना बल बढ़ावे। यदि यह बल बढ़ाने का प्रयत्न ना करेगा तो निसंदेह इसका बल घटता जाएगा। बल ना घटे इसीलिए इसको उचित है कि वह अपना बल बढ़ाने का यत्न करे। जिस समय यह 11वां शुद्ध आत्म अर्थात देह से रहित विरहित आत्मा होता है, उस समय उसके पास ये प्राकृतिक शक्तियां नहीं होती हैं। उस समय वह केवल आत्मिक शक्ति से ही युक्त रहता है और वह अखंड शक्ति होती है, इसीलिए उस समय उसमें घट बढ़ कुछ नहीं हो सकता है। अथर्ववेद स्त्री के पाति व्रतों की रक्षा 17 ब्रह्मजाया ऋषि मयोभू देवता ब्रह्मजाया अग्नि जलनिधि समुद्र वायु तेजस्वी सूर्य सुख देने वाला चंद्रमा तथा अन्य सब देव ब्राह्मण के संबंध में पाप करने वाली पापी के पाप चरण के विषय में सत्य बात स्पष्ट कह देते हैं। सोम ने शांति के साथ ब्राह्मण के स्त्री को पुनः वापस दिया। वहां वरुण और मित्र उपस्थित थे और अग्नि भी पानी ग्रहण के समय होता बना था। जो ब्राह्मण की पत्नी कही जाती है वह पानी ग्रहण विधि से ही विवाहित हुई होती है। यह किसी के दूत द्वारा भगाई जाने योग्य नहीं होती। इसकी सुरक्षा से क्षत्रिय का राष्ट्र सुरक्षित होता है। जिस प्रकार आकाश की तारका और उल्का किसी ग्राम पर गिरती है और वह दुष्चिन्ह कहा जाता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मणी भगाई जाने पर राष्ट्र का नाश करती है। ब्रह्मचारी विद्या समाप्त करने पर जनता की सेवा करता हुआ जगत में संचार करता है, इसीलिए उसको देवतांश कहते हैं। यह उक्त अत्याचार का पता लगाता है और जिसकी स्त्री होती है उसके पास पहुंचाता है। तप करने वाले ऋषि और सब देवता लोग इस विषय में बारंबार कहते आए हैं कि इस प्रकार भगाई गुरु पत्नी भयानक हानि करती है और दूसरे उच्च लोकों में भी बड़ी पीड़ा देती है। राष्ट्र में जिस समय अकाल में बालकों की मृत्यु होती है और प्राणियों का बहुत संहार होता है और आपस में वीर लोग एक दूसरे के सिर फोड़ने लगते हैं, तब समझना चाहिए कि यह परिणाम गुरु पत्नी के पूर्वोक्त कष्ट से ही हो रहा है। ब्राह्मण से भिन्न 10 पति स्त्री के होते हैं, परंतु जिस समय ब्राह्मण किसी स्त्री का पाणि ग्रहण करता है उस समय उस स्त्री का वही एक पति होता है, कदापि उस स्त्री का दूसरा पति नहीं हो सकता है।
ब्राह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं। यह बात सूर्य ही पंचजनों को कहते हैं। देव मनुष्य और सत्यपालक राजा लोग गुरु पत्नी को सुरक्षित गुरु के प्रति पहुंचाते हैं। जहां निष्पत्ता से गुरु पत्नी को सुरक्षितता के साथ गुरु ग्रह के प्रति पहुंचाया जाता है, वहां भूमि का सत्व बढ़ता है और यश फैलता है। परंतु जिस राष्ट्र में गुरु पत्नी को प्रतिबंध होता है, उस राष्ट्र में मानो कोई युवासनी स्त्री बिस्तरे पर सुरक्षित नहीं सो सकती। जिस राष्ट्र में गुरु पत्नी का अपमान होता है, उस राष्ट्र में उत्तम पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकते। सुवर्ण आभूषण धारण करके कोई वीर बालिकाओं के साथ खेल नहीं सकता। श्याम कर्ण घोड़े को कोई जोत नहीं सकता। कमलयुक्त तालाब प्रफुल्लित नहीं होते। गोवें दूध नहीं देती। जिस राष्ट्र में गुरु पत्नी की मान हानि होती है और उस कारण धर्म पत्नी ना होने पर गुरु अकेला ही त्रस्त होकर क्रोध की भावना मन में धारण करके सोता है, उस राष्ट्र में गौ भी कल्याण नहीं करती और बैल भी कार्य करने वाला नहीं होता है। स्त्री चारित्र्य की रक्षा करनी चाहिए, यह उपदेश देने के लिए यह सूक्त है। जिस राष्ट्र में स्त्री चारित्र्य की रक्षा की जाती है और सब पुरुष स्त्री के चारित्र्य की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उस राष्ट्र की उन्नति होती है। परंतु जिस राष्ट्र में स्त्री चारित्र्य की रक्षा नहीं होती, वह राष्ट्र पतित होता है। सारांश से इस सूक्त का यह उद्देश्य है। इस सूक्त में ब्राह्मण की स्त्री क्षत्रिय के द्वारा भगाई जाने से राष्ट्र पर कितने अनर्थ गुजरते हैं, इसका वर्णन है। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, अर्थात सब वर्णों को विद्या दान देने वाला सबका अध्यापक अथवा गुरु ब्राह्मण है। इसीलिए ब्राह्मण की स्त्री सबके गुरु पत्नी होती है। जिस प्रकार ब्राह्मण सब पुरुषों को ज्ञानोपदेश देता हुआ सर्वत्र ब्राह्मण करता है, उसी प्रकार ब्राह्मणी भी सब स्त्रियों को धर्म का उपदेश करती हुई ब्राह्मण करती है। गुरु पत्नी का यह कर्तव्य ही है। यह कर्तव्य करने के लिए जब गुरु पत्नी बाहर भ्रमण करती है, तब उसके चारित्र्य का रक्षण सब लोग करें। कोई भी उसको प्रतिबंध ना करे और ना उसका किसी प्रकार अपमान करे। जो गुरु पत्नी का अपमान करने का साहस करेंगे, वे अन्य स्त्रियों का अपमान करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह भाव यहाँ है। वास्तव में सभी स्त्रियों के चारित्र्य की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इस पर राष्ट्र का गौरव अवलंबित है। जिस राष्ट्र में गुरु पत्नी का भी चारित्र्य अथवा पातिव्रत्य गुंडों के अत्याचार के कारण सुरक्षित नहीं रहता, वहां की अन्य स्त्रियों की दुर्दशा वर्णन ही क्या हो सकता है। इसीलिए सब स्त्रियों के चारित्र्य के उत्कर्ष की दृष्टि से ही इस सूक्त में कहा है कि कोई भी गुरु पत्नी का अपमान ना करे। यह सूक्त आकाशस्थ तारों की गति पर रचा हुआ अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण अब देखिए। बृहस्पति और तारा। आकाश में बृहस्पति नामक एक सितारा है, जिसको गुरु भी कहते हैं। यह प्रसिद्ध सितारा है, जो रात्रि के समय पाठक देख सकते हैं। आकाशस्थस्थ अन्य नक्षत्रों में तारा अथवा तारका नाम का एक नक्षत्र है। रूपक से समझा जाता है कि यह गुरु की धर्मपत्नी है, अर्थात बृहस्पति की यह भार्या है। यहाँ धर्मपत्नी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वह बृहस्पति इस नक्षत्र में बहुत देर तक और इसके बहुत समीप रहता है। इसीलिए इनकी आपस में पति पत्नी की कल्पना की है। बृहस्पति का ब्रह्मणस्पति भी दूसरा नाम वेद में है। इसका अर्थ ज्ञानी गुरु होने से इसका वर्ण ब्राह्मण माना गया, अर्थात इसके धर्मपत्नी होने से तारा भी ब्राह्मणी गुरु पत्नी अथवा ब्रह्मजाया कहलाती है। इस प्रकार यहाँ एक ब्राह्मण परिवार की कल्पना हुई। यह बृहस्पति देवों का गुरु है और जब आकाश में देवों की सभा रात्रि के समय लगती है, उस समय यह देव गुरु उसमें विराजते हैं और मानो देवों का सुयोग्य सलाह देते हैं। इसी प्रकार राजा सोम भी देव सभा में उपस्थित होते हैं। इस समय ये एक क्षत्रिय राजा माने गए हैं। ये क्षत्रिय राजा अपने राज्य अधिकार के मंद में अनेक तारागणों से संबंधित होते हैं, अर्थात अनेक स्त्रियों से संबंध करते हैं। इस अत्याचार के कारण उनको क्षय रोग होता है। इस अनाचार के कारण बिचारे राजा साहेब क्षीण होते जाते हैं। अमावस्या की रात्रि में तो इनकी हालत बहुत खराब होती है।
उस समय कुछ उपचार करने पर शुक्ल पक्ष में कुछ पुष्ट होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में गुरु पत्नी तारा का दर्शन होता है और उसका दर्शन होते ही क्षय राजा का मन चंचल हो जाता है। राजा अपने शासनाधिकार के कारण उन्मत्त होने के कारण गुरु पत्नी का गौरव और आदर ना करता हुआ उसका घर्षण करता है। इस प्रकार स्त्री के पातिव्रत्य का नाश करने के कारण जो पाप होता है उस पाप के कारण राष्ट्र में बड़ा शोभ होता है और सब प्रजा त्रस्त हो जाती है। जहाँ गुरु पत्नी का इस प्रकार अपमान होता है वहाँ अन्य स्त्रियों के पातिव्रत्य का क्या होता होगा। ऐसा विचार करके अत्याचारी राजा का निमेश उपस्थित ऋषि और सदस्य देव करने लगते हैं। राजा अपने घमंड में आकर विरोधक ऋषियों और देवों को दबाने का यत्न करता है। इसमें प्रजा में अधिक शोभ होता है। तत्पश्चात राजा सोम देखता है कि अपनी प्रजा प्रतिकूल हो गई है और अपने को राज्य से पद्याच्युत करने का विचार करती है। इस पर प्रजा को अधिक दबाने के लिए असुर सेना की सहायता लेता है और विदेशी असुर सेना के अपनी प्रजा को दबाने की चेष्टा करता है। इससे प्रजा अधिक क्षुब्ध होती है और बड़ी लड़ाई छिड़ती है। दोनों ओर का बहुत संघार होने पर दोनों पक्षों की आपस में कुछ सलाह होती है। इस संधि के अनुसार राजा सोम गुरु पत्नी को वापस करता है। उस समय वरुण और मित्र साथ रहते हैं और अग्नि मार्गदर्शक होता है। इस प्रकार चंद्रमा को कलंक लगाकर इसे बुरे कर्म का फल उसको मिलता है। इस समय सोम और तारा के संगम से बुध की उत्पत्ति होती है। तारा अग्नि ताप से शुद्ध होकर फिर अपने घर पहुंचती है। इस प्रकार की कथा बहुत पुराणों में है। इस विस्तृत कथा का कुछ मूल इस सूक्त में दिखाई देता है। जिस प्रकार रत्र की कथा मेघ और सूर्य इस पर रूप कलंकर मानकर रची गई है उसी प्रकार चंद्रमा तारका गुरु आदि के ऊपर वह बोधप्रद अलंकार रचा गया है। वेद में इस प्रकार के अनेक अलंकार हैं और उनसे अनेक प्रकार का बोध प्राप्त होता है। यहाँ भी यह बोध मिलता है कि कोई राजा अपने अधिकार के मद से उन्मत्त होकर स्त्रियों पर अत्याचार ना करे। यदि करेगा तो उसको परमेश्वर के राज्य में उसी प्रकार दंड मिलेगा जैसा कि सोम राजा को जन्म भर कलंकित होना पड़ा था। सबका अपमान हुआ, कलंकित होना पड़ा, रोगी होना पड़ा, राज विद्रोह हुआ, राष्ट्र में बलवा हो गया और ना जाने क्या क्या आपत्ति आ पड़ी। यदि इतने समर्थ सोम राजा की यह अवस्था हुई तो उससे बहुत छोटे पार्थिव राजा की क्या अवस्था होगी। और यदि राजा की ऐसी दुर्दशा हो गई तो कोई प्रजाजन यदि ऐसा कुकर्म करेगा तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी। ऐसा विचार मन में लाकर हर एक पुरुष को स्त्री के पातिव्रत्य की रक्षा करनी चाहिए। केवल गुरु पत्नी के ही पातिव्रति की रक्षा यहाँ अभिष्ट नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण स्त्री जाति के पातिव्रति की रक्षा का यहाँ उपदेश है। गुरु पत्नी यहाँ केवल उपलक्षण मात्र है। जिस राष्ट्र में स्त्रियों की पातिव्रत्य की रक्षा अच्छी प्रकार होती है और स्त्री के इधर उधर सुखपूर्वक भ्रमण करने में उसके किसी प्रकार भी अपमान की संभावना नहीं होती, वह राष्ट्र अत्यंत सुरक्षित होता है। यह स्त्री दूत द्वारा ले जाने योग्य नहीं होती, अर्थात किसी का दूत इस प्रकार का भयानक कुकर्म करने को जिस राष्ट्र में साहस नहीं कर सकता वह क्षत्रिय का राष्ट्र सुरक्षित रहता है। अर्थात जिस राष्ट्र में स्त्री के ऊपर अत्याचार होते हैं वह राष्ट्र किसी सज्जन के रहने के लिए योग्य नहीं होता है। जिस राष्ट्र में स्त्रियों पर अत्याचार होता है उस राष्ट्र में गर्भपात भी होते हैं, प्राणी अकाल में मरते हैं, वीर लोग आपस में लड़ते भिड़ते हैं। इसीलिए स्त्रियों की सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए। क्षत्रिय और वैश्यों में नियोग के कारण और शूद्रों में पुनर्विवाह के कारण एक के पश्चात दूसरा इस प्रकार 10 तक पत्तियों की संख्या हो सकती है, परंतु ब्राह्मणों के लिए तो ना नियोग की प्रथा और ना ही पुनर्विवाह की प्रथा उचित समझी जाती है। इसीलिए ब्राह्मणी का ब्राह्मण के साथ एक बार विवाह हुआ तो उसका किसी भी कारण दूसरा पति नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मणों को भोग में फंसना नहीं चाहिए।
इत्यादि विषय आठवें मंत्र में देखने योग्य हैं। शेष मंत्रों में स्त्री पर अत्याचार करने वाले राष्ट्र की जो दुर्दशा होती है उसका वर्णन है, इसीलिए उनके अधिक विचार की आवश्यकता नहीं है। इस सूक्त में कई प्रकार के बोध प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम लेने योग्य बोध यह है कि राजा को अपना आचरण बहुत ही निर्दोष रखना चाहिए। बहुत स्त्रियां करना और दूसरों की स्त्रियों के साथ कुकर्म करना बहुत ही बुरा है। बहुपत्नी व्यवहार करने से बहुत पहले सबसे पहले जो कष्ट होता है वह ब्रह्मचर्य नाश और वीर नाश के कारण क्षय रोग होने की संभावना है। शरीर में जब तक भरपूर वीर रहता है तब तक क्षय रोग हो नहीं सकता। वीर दोष उत्पन्न होने से क्षय रोग होता है और अंत में उससे मृत्यु निश्चित है। राजा का आचार व्यवहार देखकर अन्य लोग उसी प्रकार आचार करते हैं। राजाओं के ऊपर यह बड़ी भारी जिम्मेवारी है। राजा बिगड़ जाने से राष्ट्र के लोग बिगड़ जाते हैं और इस प्रकार राष्ट्र का नाश होता है। अतः बड़े लोगों को अपने आचार व्यवहार धर्मानुकूल ही करने चाहिए। राजा के पास जो अधिकार होता है उसका घमंड करके अपने अधिकार का दुरुपयोग करना राजा को योग्य नहीं है। प्रजा के कल्याण का उद्योग करने के लिए राजा के पास अधिकार दिया होता है। इस अधिकार का उपयोग अपने स्वार्थ भोग भोगने के लिए करने से ही राजा दोषी होता है। इसीलिए राजा को उचित है कि वह सदा समझे कि मेरा निरीक्षण करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए मुझे कोई अकार्य करना योग्य नहीं है। इस प्रकार विचार करके राजा अपना आचार व्यवहार सुधारे और अपने योग्य प्रबंध से संपूर्ण राष्ट्र का उद्धार करे। अथर्ववेद ब्राह्मण की गौ 18 ब्रह्मगवि ऋषि मयोभूः देवता ब्रह्मगवि। हे क्षत्रिय, हे राजा, यह सब तेरे ही उपयोग के लिए तुम्हारे पास देवों ने नहीं दिया है। ब्राह्मण की भूमि गाय आदि जो कुछ भी धन होगा वह बल से हरण करना तुम्हें योग्य नहीं है। जो जुए में हारा हुआ पापी दुराचारी और आत्मघात की क्षत्रिय होगा वह ब्राह्मण की भूमि और गौ आदि का गल से हरण करेगा और भोग करेगा। इससे वह आज जीवित रहा तो कल भी जीवित रहेगा, इस विषय में निश्चित नहीं है। हे क्षत्रिय, ब्राह्मण की भूमि अथवा गौ तुम्हारे उपभोग के लिए नहीं है। वह चर्म से ढकी हुई विष भरी क्रोधी सांपिन के समान वह तुम्हारे लिए नाशक सिद्ध होगी। जो क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मण को अपने भोग का विषय मानता है वह मानो सांप का विष ही पीता है। उस प्रकार अपमानित हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय का नाश करता है, उसका तेज नष्ट करता है और जलती आग के समान सब राष्ट्र को हिला देता है। जो क्षत्रिय धन लोभ से देवों का अन्न भाग स्वयं खाता है और ब्राह्मण को निर्बल मानकर उसको कष्ट देता है, उसके हृदय में अग्नि जलाकर इंद्र उनका नाश करता है और सब धावा पृथ्वी के निवासी उनकी निंदा करते हैं। अग्नि के समान ही ब्राह्मण है, जिसको छेड़ना उचित नहीं है, क्योंकि सोम उसका संबंधी और इंद्र उनका रक्षक है। जो पापी क्षत्रिय ब्राह्मण धन अपने भोग के लिए है ऐसा मानता है और उसका मैं उत्तम भोग करता हूँ ऐसा समझता है, उस पर सैकड़ों आपत्तियां आती हैं और उसका सामर्थ्य ही नष्ट हो जाता है। उस ब्राह्मण की जिह्वा दौरी वाणी मनुष्य और उसके तप में युक्त दंत वाण होते हैं। इस धनुष्य से वह ब्राह्मण देवताओं का अन्न खाने वाले का नाश करता है। ये ब्राह्मण बड़े तीक्ष्ण शस्त्रों वालों होते हैं, इसीलिए उक्त अस्त्र से ये जिस पर फेंकते हैं वे व्यर्थ नहीं होते। अपने तप और क्रोध से पीछा करके दूर से ही ये उसका नाश करते हैं। देवताओं के उद्देश्य से अलग रखा हुआ अन्न स्वयं भोग करने वाले सहस्त्रों राजा लोग ब्राह्मणों की भूमि अथवा गौ हरण करके उसका भोग करने से पराभूत हो गए हैं। वह कष्ट को प्राप्त हुई ब्राह्मण की गाय ही उन देवता भोजी क्षत्रियों के नाश करने का कारण होती है। सैकड़ों क्षत्रिय भूमि पर बड़ा पराक्रम करने वाले होते हैं, परंतु यदि उन्होंने ब्राह्मण को कष्ट देना शुरू किया तो वे सहज ही में पराभूत होते हैं।
देवों का शत्रु रूप बनकर पृथ्वी पर संचार करने वाला दुष्ट मनुष्य विष पिय अतिक्रश मनुष्य के समान निर्बल होता है, और जो देवों के बंधु ब्राह्मण की हिंसा करता है उसको पितृलोक भी नहीं प्राप्त होता। सब ज्ञानी जानते हैं कि अग्नि हमारा मार्गदर्शक, सोम हमारा संबंधी और इंद्र हमारा रक्षक है। हे राजन, तू स्मरण में धर की विषयुक्त बाण के समान और सांप के समान ब्राह्मण का भयंकर बाण हिंसक का अवश्य नाश करता है। ब्राह्मण की गौ, गौ शब्द का अर्थ वाणी, भूमि, गाय, इंद्रिय, प्रकाश आदि है, अर्थात ब्रह्मगवि का अर्थ ब्राह्मण की वाणी, भूमि, गाय आदि होता है। यही ब्राह्मण की संपत्ति होती है। ब्राह्मण शम दम तप युक्त कर्म करता है, इसीलिए शांत व्रति वाला होता है। अतः उग्र व्रति वाले क्षत्रिय अशक्त ब्राह्मण को लूट मार कर उसकी संपत्ति हर कर उस धन से अपना भोग बढ़ा सकते हैं। परंतु ब्राह्मण तपस्वी और अध्यापन करने वाला होने के कारण यदि वह इस प्रकार दुखी हुआ तो राष्ट्र में अध्यापन अध्ययन बंद हो जाता है और उस कारण अंत में सब राष्ट्र का ही नाश होता है। इस प्रकार ब्राह्मण के कष्ट राजा के नाश के कारण होते हैं। ब्राह्मणस्य गौ अनाधा, ब्राह्मण की गौ खाने योग्य नहीं, ऐसा इस सूक्त में बारंबार कहा गया है। कई लोग इस वाक्य से क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की गौ खाने योग्य है ऐसा अर्थ करते हैं, और ब्राह्मण की गौ कोई नहीं खाता था परंतु अन्य बाणों की गौ लोग खाते थे, ऐसे अनर्थकारक अनुमान निकाल लेते हैं। इसीलिए इस विषय में अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि गौ अधन्या है, ऐसे वेद में सर्वत्र कहा है। उसके विरुद्ध इस सूक्त में गौ खाने का उल्लेख कैसे आ गया है, इसीलिए यह बात अवश्य विचार करने योग्य है। इस सूक्त का आशय देखने के लिए निम्नलिखित वचन सबसे प्रथम देखिए। यो ब्राह्मणाम अनम एव मन्यते स विशिष्य पीबति, जो ब्राह्मण को अपना अन्न मानता है वह मानो विष ही पीता है। इस मंत्र में उग्र क्षत्रिय नरम स्वभाव वाले ब्राह्मण को अपना अन्न मानता है ऐसा कहा है। इससे ब्राह्मण के टुकड़े करके क्षत्रिय खाते थे यह भाव लेना उचित नहीं है। क्षत्रिय नर मांस भोजी कदापि नहीं थे। फिर जो क्षत्रिय कदापि नर मांस नहीं खाते वे ब्राह्मण को ही अपना अन्न कैसे मान सकते हैं। इस शंका को दूर करने के लिए निम्नलिखित मंत्र का भाग देखिए। यो मल्लवः ब्राह्मणाम अन्नम स्वादु अग्नि इति मन्यते स शतापाष्ठाम गिरति, जो मलिन क्षत्रिय ब्राह्मणों का अन्न सुख से मैं भोगता हूँ ऐसा मानता है वह सैकड़ों विपत्तियों में गिरता है। यहाँ ब्राह्मण का अन्न लूट मार कर क्षत्रिय खावे तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है ऐसा कहा है। ब्राह्मण को अन्न मानने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण के पास के सब उपभोग के पदार्थ लूट कर अथवा जबरदस्ती से छीन कर उनका उपभोग करना। हे वंशी, क्षत्रियों ने ऐसा ही किया था। वे क्षत्रिय ब्राह्मणों के आश्रम लूटते थे और अपने भोग बढ़ाते थे। इस कारण परशुराम ने उनका नाश करके पुनः धर्म का स्थापन किया। इस सूक्त में भी वीतहव्य नामक राजाओं का पराभव ब्राह्मणों को पीड़ा देने से हुआ ऐसा कहा है। वशिष्ठ ऋषि को इसी प्रकार विश्वामित्र जी ने कष्ट दिए थे। इस सब का तात्पर्य ब्राह्मण का मांस खाने से नहीं है, अपितु ब्राह्मण की संपत्ति गांवें, भूमि तथा अन्य समृद्धि लूटना और उनका उपभोग स्वयं करना यही है। ब्राह्मण के पास का धन यज्ञ भाग और विद्या वृद्धि के लिए होता है। यदि वह धन लूटा जावे तो यज्ञ नहीं होंगे और विद्या का नाश होगा, इससे अंत में सब जनता का नाश होगा। ब्राह्मणों की वाणी को प्रतिबंध करना, उनकी संपत्ति लूटना, गौ चुराना अथवा बल से हरण करना और अन्य नए प्रकार ब्राह्मणों के आश्रमों को कष्ट देना अंत में राज्य के नाश के लिए कारण होता है। ब्राह्मण को अन्न मानने का यह अर्थ है। इसी प्रकार ब्राह्मण की गाय हरण करना और उसका दूध आदि स्वयं पीना, उसकी भूमि हरण करके उस भूमि का धान्य स्वयं खाना इत्यादि प्रकार हानिकारक है, यह भाव यहाँ है। ब्राह्मण जनता को विद्या देते हैं, जनता के रोगों की चिकित्सा करते हैं, धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए जनता का प्रेम ब्राह्मणों पर होता है।
और जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को कष्ट देता है उसको जनता राज्य भ्रष्ट कर देती है। वेद में गौ शब्द गाय का दूध दही मक्खन घी छाछ गौ के दूधते और घी से बने सभी प्रकार की मिठाई गौ चर्म गाय के सींग और गौ इतने पदार्थों का वाचक है। इससे पाठक जान सकते हैं कि यहाँ क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण की गौ रखना ब्राह्मण की गौ आदि सब संपत्ति हड़प करना ही है। सब सुक्त का आशय ध्यान में लाने से यही आशय स्पष्ट प्रतीत होता है। ब्राह्मण प्रजा को कष्ट देने से सहज पराभव होता है। ब्राह्मण की गौ हड़प करने से वीत हव्य क्षत्रिय पराभूत हुए। जो क्षत्रिय ब्राह्मण को कष्ट देता है वह पितृलोक को भी प्राप्त नहीं होता है। इन मंत्र भागों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों को कष्ट देना उनको लूटना उनके धर्म कर्म चलाने में रुकावटें उत्पन्न करना राज्य के लिए अनिष्ट कारक हैं। यह ब्राह्मण को खाने अथवा उसकी गौ को खाने का आशय बिल्कुल नहीं है। इसके अतिरिक्त खाने का अर्थ कई प्रकार से होता है। वह ओहदेदार पैसा खाता है इस वाक्य का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह अन्न ना खाते हुए रुपए आने और पाई खाकर हजम करता है, परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि अयोग्य रीति से वह धन कमाता है। यही अर्थ संस्कृत में भी है। ब्राह्मण को खाने का अर्थ ब्राह्मण की धन दौलत लूटना और उसका स्वयं उपभोग करना। आजकल कहते हैं कि अनियंत्रित राजा प्रजा को खाता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि राजा मनुष्यों का मांस खाता है, अपितु राजा प्रजा को सताता है, यह इसका अर्थ है। शतपथ में अनियंत्रित राजा प्रजा के लिए घातक है। यहाँ जो प्रजा के घात का वर्णन किया है वह केवल प्रजा को काटना नहीं अपितु प्रजा की उन्नति में बाधा डालना है। इस सब वर्णन से इस सूक्त का आशय ध्यान में आ सकता है। राजा का कर्तव्य है कि वह ज्ञानियों को विद्या दान करने में, वैश्यों को व्यापार करने में, शूद्रों को अपनी कारीगरी के व्यवहार करने में उत्तेजना दे। अपने पास शक्ति है इसीलिए निर्बलों पर अत्याचार स्वयं ना करे और ऐसा राज्य शासन करे कि जिससे सबकी उन्नति यथा योग्य रीति से हो सके। जिस राज्य में शम दम और तप करने वाले ब्राह्मणों पर अत्याचार होते हैं वहाँ अन्यों की सुरक्षितता कहाँ रहेगी। पाठक पूर्व सूक्त के साथ ही इस सूक्त को पढ़ें और उचित बोध प्राप्त करें। आगामी सूक्त भी इसी आशय का है। अथर्ववेद ब्राह्मण को कष्ट 19 ब्रह्मगवि ऋषि मयोभूः देवता ब्रह्मगवि विजय संजय क्षत्रिय बहुत बढ़ गए थे, परंतु जब वे ब्राह्मणों को सताने लगे और देवों के लिए दिया हव्य स्वयं भोगने लगे तब राज्य भ्रष्ट हो गए। जिन्होंने साम गायक आंगिरस ब्राह्मण को सताया था उनके बाल बच्चों को हिंसक पशुओं ने दांतों से पीसा था। जो ब्राह्मण का अपमान करते हैं और उनसे धन छीनते हैं वे रुधर की नदी में बालों को खाते रहते हैं। जो ब्राह्मण की गाय हड़प करता है उस क्षत्रिय के राष्ट्र का तेज नष्ट होता है और उसमें बलवान वीर नहीं उत्पन्न होते। गाय को कष्ट देना बड़ी क्रूरता का कार्य है। दूसरे की गाय का दुग्ध पीना भी विष के समान ही है। अपने आप को बलवान मानता हुआ जो राजा ब्राह्मण को सताता है उसका राष्ट्र गिर जाता है। ब्राह्मण की गाय दुखी होने पर द्विगुणित मारक सिंह आदि से युक्त होकर उसके राष्ट्र का नाश करती है। जहाँ ब्राह्मण सताया जाता है वहाँ राष्ट्र विपत्ति में गिरता है। टूटी नौका के समान वह बीच में ही डूब जाता है। जो ब्राह्मण का धन छीनता है उसको वृक्ष भी अपनी छाया में नहीं आने देते। राजा वरुण ने कहा है कि ब्राह्मण की गौ को हड़प करना विष पीने के समान हानिकारक है। उसको स्वीकार करने से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। 99 वीर जिन्होंने सब भूमि पर विजय प्राप्त किया था वे जब ब्राह्मणों को सताने लगे तब वे परास्त हो गए। कांटे की झाड़ू से जो शमशान झाड़ने के लिए काम आती है उस पर वह मनुष्य शोता है कि जो ब्राह्मण को सताता है। निर्बल होने के कारण पराजित हुए मनुष्य की आंख में जो आंसू आते हैं उन आंसुओं का जल उसको पीने के लिए दिया जाता है जो ब्राह्मण को सताता है। जिस जल से मुर्दों को स्नान कराते हैं और जो जल हजामत करने के समय दाढ़ी मूछ भिगोने के काम आता है वह जल उसको मिलता है कि जो ब्राह्मण को कष्ट देता है।
ब्राह्मण को कष्ट देने वाले के राष्ट्र में अच्छी वृष्टि नहीं होती। राष्ट्र सभा वैसे राजा के अनुकूल नहीं होती और वैसे क्षत्रिय का कोई मित्र नहीं रहता। ज्ञानी का कष्ट, ज्ञानी मनुष्य को दिया हुआ कष्ट राज्य का नाश करता है। जिस राज्य शासन में ज्ञानी सज्जनों को कष्ट भोगने पड़ते हैं वह राज्य शासन नष्ट हो जाता है। जिस राज्य शासन में ज्ञानी लोगों को वाणी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको उत्तम उपदेश देने से रोका जाता है, जहाँ सुविज्ञ ज्ञानी पुरुषों के धन संपत्ति सुरक्षित नहीं होती, जहाँ अन्य प्रकार से ज्ञानी सज्जनों को कलेश पहुँचते हैं वह राष्ट्र अधोगति को प्राप्त होता है। यह आशय इस सूक्त का है। राष्ट्र में ज्ञान की और ज्ञानी की पूजा होती रहे, क्योंकि ज्ञानोपदेश से ही राष्ट्र का सच्चा कल्याण हो सकता है। इसीलिए हर एक राष्ट्र के लोग ज्ञानी का सत्कार करें और अपनी उन्नति के भागी बने। अंत्येष्टि की कुछ बातें। इस सूक्त का विचार करने से कुछ बातों का पता लगता है। देखिए, पहला, मृतम स्त्रपयन्ति, मृत मनुष्य को शव को स्नान कराते हैं। दूसरा, मृताय पदयोपनी कुंभ अनुघ्रंति, मृत को पांव का चिन्ह मिटाने वाली झाड़ू से अथवा किसी अन्य चीज से बांधते हैं। इसमें कूथ का अर्थ ठीक प्रकार समझ में नहीं आता है, यह खोज का विषय है। हजामत। तीसरा, शमधूणी ही उन्नदते, हजामत बनवाने के समय बाल भिगोए जाते हैं। इस सूक्त के कुछ कथनों का ठीक ठीक भाव समझ में नहीं आता है, इस कारण यह सूक्त कलिष्टता प्रतीत होता है। उन मंत्रों का अधिक विचार पाठक करें। अथर्ववेद दुदुम्भी का घोष 20 शत्रु सेना त्रासनम। ऋषि ब्रह्मा देवता वनस्पति दुदुम्भी। हे दुदुम्भी ढोल, तू श्रेय करने वाला, धन जीतने वाला, बलवान, युद्धों को जीतने वाला, ज्ञान के द्वारा तैयार किया हुआ है। सोमरस निकालने के समय जिस प्रकार पत्थर सोम पर नाचते हैं, उस प्रकार भूमि जीतने की इच्छा करने वाला तू शत्रु के धन पर नाच। शत्रु को जीतने वाला नित्य विजय, बैरियों को वश में करने वाला, खोज करने वाला, बलवान और उखाड़ने वाला तू ढोल शब्द को सर्वत्र भर दे। जैसा वक्त उपदेश को श्रोताओं में भर देता है, संग्राम को जीतने के लिए यहाँ अन्न के विषय में बड़ी घोषणा कर। ना गिरने वाले शत्रुओं को गिराने वाला, आनंद युक्त यात्रा करने वाला, युद्धों को जीतने वाला, आगे बढ़ने वाला और युद्ध करने के लिए कठोर इंद्र द्वारा रक्षित, युद्ध कर्मों को जानने वाला, शत्रुओं के हृदयों को घबराने वाला तू ढोल शीघ्र शत्रु पर गमन कर। हे दुदम्बे ढोल, तू शत्रुओं में हृदय की व्याकुलता और मन की उदासीनता कह दे। द्वेष, कश्मकश, झगड़ा, भय शत्रुओं में रख दे। हे दुदुम्भे, इनको निकाल दे। घृत की आहुति देने जितने थोड़े समय में ही शत्रु घबराने से मन, आँख और हृदय से डरते हुए भाग जावें। वनस्पति से अर्थात लकड़ी से उत्पन्न ढोल जिस पर चमड़े की रस्सियां बंधी है, सब प्रकार भूमि का रक्षक और घृत से सींचा हुआ तू शत्रुओं के लिए कष्टों की घोषणा कर। जिस प्रकार वन के मृग मनुष्यों से डरकर भाग जाते हैं, हे दुदुम्भे, इसी प्रकार तू शत्रुओं पर गर्जना कर, उनको डरा दे और उनके चितों को मोहित कर। जिस प्रकार भेड़ बकरियां भेड़ियों से बहुत डरती हैं, भाग जाती हैं, उसी प्रकार हे दुदुम्भी तू शत्रुओं पर गर्जना कर, उनको डरा दे और उनके चितों को मोहित कर। जिस प्रकार पक्षी शयन से डरकर भागते हैं और जिस प्रकार गर्जना करने वाले सिंह से प्रतिदिन डरते हैं, उसी प्रकार हे दुदुम्भी तू शत्रुओं पर गर्जना कर, उनको डरा दे और उनके चितों को मोहित कर। जो युद्ध के स्वामी होते हैं, सब देव हरिण के चर्म से बने हुए नगाड़े से ही शत्रुओं को बहुत डरा देते हैं। इंद्रिय जिन पाद घोषों से और छाया रूप सेना के साथ युद्ध की क्रीड़ा करता है, उनसे हमारे इन शत्रुओं को त्रास होवे कि जो सेना की पंक्तियों के साथ हमला करते हैं। धनुष की डोरी के शब्द के समान ढोल जो दिशाएं हैं, उनमें शब्द कर, जिससे शत्रुओं की संघर्ष पराजित हुई सेना भाग जावे। हे सूर्य देव, शत्रु की दृष्टि हर लीजिए। प्रकाश किरण हमारे अनुकूल दौड़े, बहुत वीर्य कम होने पर पांवों की बांधने की रस्सियां शत्रुओं के पांवों में बांधी जावे। हे भूमि को माता मानने वाले शूर, मरने के लिए सिद्ध हुए वीरों, इंद्र अर्थात शूर सेनापति के साथ रहकर शत्रुओं को मार डालो।
सोम वरुण महादेव मृत्यु और इंद्र ये सब शूरों को सहायता करने वाले देव हैं। ये दिव्य सेनाएं सूर्य का ध्वज लेकर चलने वाली उत्तम चित्त से युक्त होकर हमारे शत्रुओं का पराभव करें, विजय के लिए हमारा आत्मसमर्पण हो। नगाड़ा, ये दोनों सूक्त नगाड़े का वर्णन कर रही हैं। यह वर्णन स्पष्ट और सहज समझने योग्य होने से इसका भावार्थ देने और विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्यों का ध्वज 12वें मंत्र में सूर्य चिन्ह युक्त केतु का वर्णन है। यह वर्णन देखने से आर्यों का ध्वज सूर्य चिन्ह युक्त था, यह बात स्पष्ट हो जाती है। तृतीय अनुवाक समाप्त। अथर्ववेद ज्वर निवारण 22। तक्मनाशनम, यज्ञ से ज्वर दूर होता है। अग्नि सोम संविधा और हवन सामग्री ज्वर को दूर करती है। ज्वर मनुष्य को निस्तेज बनाता है, उसको अग्नि तपाकर निर्वीर्य बनाता है। इस कारण यज्ञ से ज्वर हटता है। ज्वर से पर्व में दर्द होता है, इसीलिए ऐसे ज्वर को दूर हटाना चाहिए। बहुत दृष्टि जहाँ होती है उन देशों में यह ज्वर होता है। शाक भोगी लोगों में एक विशेष बल होता है, इस कारण उनसे यह ज्वर दूर भागता है। बहुवृष्टि वाले और मूंज घास वाले देशों में यह ज्वर बहुत होता है। इस ज्वर का विष सर्प के समान होता है, जिससे शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है। मलिन जीवन वाले लोगों में होता है। घास वाले स्थानों में यह ज्वर होता है और इस ज्वर के आने पर शरीर कांपता है। बड़ी वृष्टि वाले और घास वाले प्रदेशों से भिन्न अन्य उत्तम क्षेत्रों में यह ज्वर नहीं होता है, अन्य स्थानों में नहीं होता है। वहाँ नियम पूर्वक रहने वाले लोगों को यह नहीं होता, उनसे दूर भागता है। यह ज्वर शीत रुक्ष और कफ युक्त होता है, इसका परिणाम भयंकर होता है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। इस ज्वर के कफ खांसी और क्षय ये तीन मित्र हैं। ये ज्वर हमारे पास कभी ना आवे। इस ज्वर का भाई कफ बहन खांसी और भतीजा क्षय है। मलिन लोगों को यह होता है। तीसरे दिन आने वाले चौथे दिन या तीन दिन छोड़कर आने वाला सदा अर्थात प्रतिदिन आने वाला शरद ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के कारण होने वाला शीत और रुक्ष ये सब ज्वर हटाने चाहिए। जिस प्रकार रक्षक मनुष्य दूसरे देश को भेजे जाते हैं, उस प्रकार सब ज्वर दूर भेजे जाएं, अर्थात ये मनुष्य को कष्ट ना दें। ज्वर रोग के विषय में बहुत सी विचारणीय बातें इस सूक्त में कही हैं। ज्वर के भेद, पहला सदिंद सदा प्रतिदिन आने वाला ज्वर, दूसरा तृतीयक तीसरे दिन आने वाला ज्वर, तीसरा वितृतयक तीन दिन छोड़कर चौथे दिन आने वाला चातुर्दिक आदि ज्वर। ये तीन भेद दिनों के अंतर के कारण होते हैं। ऋतु के कारण आने वाले ज्वर के ये नाम हैं। पहला ग्रीष्म है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाला ज्वर। दूसरा वार्षिक है, वर्षा ऋतु के कारण आने वाला ज्वर। तीसरा शारद है, शरद ऋतु के कारण आने वाला ज्वर। ये तीन भेद ऋतु के कारण आने वाले ज्वर के हैं। अब इस ज्वर के स्वरूप भेद देखिए। पहला शीत है, शीत ज्वर जिसमें प्रथम शीत लगकर पश्चात ज्वर आता है। दूसरा रुरह, रुक्ष पीत ज्वर अथवा पीड़ा देने वाला ज्वर। ये भेद इसका स्वरूप बता रहे हैं। ज्वर के साथ होने वाले रोग ये हैं। पहला बलासह, कफ बलगम यह ज्वर में होता है। दूसरा कासह, खांसी भी ज्वर में होती है। ये दोनों लक्षण बहुत खराब हैं, इसका परिणाम। तीसरा उत्तयुगम, ये दोनों अर्थात कफ और खांसी इकट्ठी आती है, इसका नाम क्षय है। यह तो इसका भयंकर परिणाम होता है। देश विशेष के कारण होने वाले ज्वरों का परिगणन निम्न प्रकार इस सूक्त में किया गया है। पहला महावृष, बड़ी वृष्टि वाले प्रदेश में होने वाला ज्वर। अस्य ओक है महावृष, इसका घर बड़ी वृष्टि वाला प्रदेश है। दूसरा मुजवान, घास जहाँ होते हैं ऐसे कीचड़ के स्थान में यह ज्वर होता है। अस्य ओक है मूजवत, इसका घर मूज वाला स्थान है। इस प्रकार के प्रदेश इस ज्वर के लिए बढ़ाने वाले होते हैं, अन्य क्षेत्रों में यह नहीं बढ़ता है, अर्थात हुआ भी तो शीघ्र हट जाता है। इस ज्वर में बहुत विष होता है, जो शरीर में जाता है और वहाँ पीड़ा करता है।
पहला व्यालह सर्प के समान यह ज्वर का विष है। दूसरा व्यांगह अंगों और इंद्रियों में विरूपता करने वाला यह ज्वर है। मलिन स्त्री पुरुषों को यह विशेषकर होता है, अर्थात अंतः बाहरी पवित्र रहने वालों को नहीं होता। इस विषय में मंत्र का प्रमाण देखिए। पहला अरणम जन्म नीच जीवन व्यतीत करने वालों को होता है। दूसरा निष्ठकरीन क्षीण और मलिन को होता है। तीसरा प्रफर्व्य फूला मनुष्य जिसमें सच्चा बल नहीं होता उसको होता है। यम नियम पालन करने वाला संयमी पुरुष सुख से रहता है। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र मनन पूर्वक देखिए। नह वशी मृडयासी हम में जो वशी अर्थात संयमी पुरुष होता है उसको सुख देता है, अर्थात यह ज्वर उसको कष्ट नहीं देता है। इस प्रकार यह संयम ज्वर आदि से और क्षय आदि से बचने का एकमात्र उपाय है। पाठक इसका विचार करके ब्रह्मचर्य आदि सुनियमों के पालन द्वारा अपना स्वास्थ्य बढ़ावे और रोगों से दूर रहने ज्वर निवृत्ति का उपाय स्वयं ब्रह्मचर्य आदि उपाय ज्वर प्रतिबंधक हैं, परंतु ज्वर आने पर उसको हटाने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला यश अग्नि में सोम आदि औषधियों का हवन करने से ज्वर हटता है। दूसरा अघरांग परे ही नीचे के मार्ग से ज्वर दूर होता है, अर्थात शौच शुद्धि से पेट साफ रहने से ज्वर दूर होता है। तीसरा शकम भरस्य मुष्टिहा शाक भोजी की मुष्टि से भरने वाला ज्वर होता है। मांस भोजी मनुष्य की अपेक्षा शाक भोजी मनुष्य में ज्वर प्रतिबंधक शक्ति अधिक होती है, इसलिए मानो शाक भोजी मनुष्य इस ज्वर को मुक्के से मार देता है। इस प्रकार इस ज्वर के संबंध का विवरण इस सूक्त में है। वैद्य इस सूक्त का अधिक विचार करें। इस सूक्त में कहे लक्षणों से प्रतीत होता है कि यह तकमा आजकल शीत ज्वर अथवा मलेरिया है। अथर्ववेद रोग जंतुओं का नाश 23 कृमि घन्म ऋषि कर्ण वह देवता इंद्र कृमि जम्भानाय देव प्रार्थना। रोग कृमियों का नाश रोग के कृमि शरीर में घुसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं। यह बात वेद के कई सूक्तों में कही है। अग्नि वायु जल आदि द्वारा इन कृमियों का नाश होता है, यह प्रथम मंत्र का कथन है। छोटे बालकों के शरीर में भी कृमि होते हैं, उनको दूर करने के लिए वचा औषधि का उपयोग करना चाहिए। यह द्वितीय मंत्र का उपदेश माननीय है। आंख नाक और दांतों में कृमि जाते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह तृतीय मंत्र का कथन प्रत्यक्ष देखने योग्य है। चतुर्थ और पंचम मंत्र में कृमियों के रंगों का वर्णन है। सूर्य किरण से सब रोग कृमियों का नाश होता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात षष्ठ मंत्र में कही गई है। विपुल सूर्य किरण के साथ अपना संबंध करके पाठक रोग कृमियों से अपना बचाव कर सकते हैं। अन्य मंत्रों का कथन स्पष्ट है, इसीलिए उस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद सुरक्षितता की प्रार्थना 24वां ब्रह्मकर्म ऋषि अथर्वा देवता ब्रह्मकर्तात्मा नानाह देवता। इस ब्रह्म यज्ञ में इस कर्म में इस पुरोहित के अनुष्ठान में इस प्रतिष्ठा में इस चिंतन में इस संकल्प में इस आशीर्वाद में इस देवों की प्रार्थना में आत्म सर्वस्व का समर्पण करता हूँ। इस समय वह सब चेतनाओं का अधिपति प्रेरक परमेश्वर मेरी रक्षा करे। वह वनस्पतियों का अधिपति अग्नि मेरी रक्षा करे। वे दाताओं के अधिपति धावा पृथ्वी मेरी रक्षा करें। वह जलों का अधिपति वरुण मेरी रक्षा करें। वे दोनों वृष्टि के अधिपति मित्र और वरुण मेरी रक्षा करें। वे पर्वतों के अधिपति मरुत मेरी रक्षा करें। वह औषधियों का अधिपति सोम मेरी रक्षा करें। वह अंतरिक्ष का अधिपति वायु मेरी रक्षा करें। वह नेत्रों का अधिपति सूर्य मेरी रक्षा करें। वह नक्षत्रों का अधिपति चंद्र मेरी रक्षा करें। वह धूलों का अधिपति इंद्र मेरी रक्षा करें। वह पशुओं का अधिपति मरुत पिता मेरी रक्षा करें। वह प्रजाओं का अधिपति मृत्यु मेरी रक्षा करें। वह पितरों का अधिपति यम मेरी रक्षा करें। वे पूर्व पितृ मेरी रक्षा करें। वे पिछले पितामह मेरी रक्षा करें। वे बड़े प्रपितामह मेरी रक्षा करें। अपनी सुरक्षितता
ज्ञानोपदेश का कर्म अन्य नए पुरुषार्थ यजन याजन सबकी स्थिरता और सुदृढ़ता बढ़ाने वाले कर्म चित्त से चिंतन मनन आदि कर्म संकल्प आशीर्वाद देना और लेना ईश्वर की स्तुति प्रार्थना आदि कर्म तथा जो जो अन्य नए कर्तव्य कर्म मनुष्य करता है उसमें संपूर्ण देवताएं और उन देवताओं का प्रेरक परमात्मा मेरी रक्षा करे। यह प्रार्थना इस सूक्त में है, यह स्पष्ट आशय वाला है, इसीलिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद गर्भधारणा 25 गर्भाधानम ऋषि ब्रह्म देवता योनि गर्भ पृथ्वी या दयो देवता पर्वत से लेकर धुलोक पर्वत स्थित पदार्थों के अंग प्रतंग से इकट्ठा किया हुआ योनि के स्थान में वीर्य को स्थापना करने वाला पुरुषेंद्रिय जल प्रवाहों में पद को रखने के समान गर्भ का बीज आधान करता है। जिस प्रकार यह बड़ी पृथ्वी समस्त भूतों के गर्भ को धारण करती है, इस प्रकार तेरा गर्भ धारण करती हूँ, उस रक्षा के लिए तुझे बुलाती हूँ। अल्प चंद्र वाली हे रात्रि देवी गर्भ को धारण कर, हे ज्ञान देवी गर्भ को धारण कर, दोनों कमल माला धारण करने वाले अश्विनी देवों तेरे गर्भ को धारण करें, मित्र और वरुण तेरे गर्भ को पुष्ट करें, देव बृहस्पति गर्भ को धारण करें, इंद्र और अग्नि तेरे गर्भ को धारण करें, धाता तेरे गर्भ को धारण करें, विष्णु योनि को समर्थ बनावे, त्वष्टा रूपों को अव्यवों वाला बनावे, प्रजापति गर्भ को सींचे और धाता तेरे गर्भ को धारण करें। जो वरुण राजा जानता है अथवा जो देवी सरस्वती जानती हैं, जो वृत्र का नाश करने वाला इंद्र जानता है, वह गर्भ को स्थिर करने वाला यह रसपान करें। तुम औषधियों का गर्भ है और तू वनस्पतियों का गर्भ है, तू सब भूत मात्र का गर्भ है, ए अग्नि वह तू यहाँ गर्भ को धारण कर, उठकर खड़ा हो जा, वीरता कर, योनि में गर्भ की स्थापना कर। हे वीर्यवान तू बलवान है, तुझे केवल संतान के लिए ही ले जाते हैं। हे भृत साम गाने वाली स्त्री तू विशेष प्रकार तैयार रहे, तेरे योनि मार्ग में गर्भ स्थिर होवे। सोमपान करने वाले देवों ने तुम दोनों की रक्षा करने वाले पुत्र को जन्म दे दिया है। हे धाता और हे रूप बनाने वाले देव, हे उत्पादक देव, हे प्रजापालक देव, इस स्त्री के दोनों गर्भधारक नाड़ियों के बीच में उत्तम सुंदर रूप के साथ पुरुष संतान स्थापन कर और 10वें मास में उत्पत्ति होने के लिए उसे योग्य कर। गर्भ की सुरक्षितता के लिए परमेश्वर तथा अन्य नाय देवताओं की प्रार्थना इस सूक्त में की गई है। इस प्रकार की प्रार्थना करने से मानस शक्ति की जागृति द्वारा बहुत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इस सूक्त में गर्भ विषयक अन्य नए बहुत सी उपयुक्त बातें कही हैं, उसका थोड़ा सा विचार यहाँ करना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर पर्वत से लेकर धुलोक पर्यंत अर्थात इस धावा पृथ्वी के अंदर जितने पदार्थ हैं, उन सब के अंग प्रतंगों के अंश से लेकर और उन अंशों को विशेष योजना से इकट्ठा करके यह गर्भ बनाया गया है। यह प्रथम मंत्र का कथन है, अर्थात इस गर्भ में जिस प्रकार सूर्य और चंद्र के अंश हैं, उसी प्रकार वायु और जल के अंश भी हैं, और उसी रीति से औषधि वनस्पतियों के भी अंश हैं, जो ब्रह्मांड में हैं, वही पिंड में हैं। ब्रह्मांड का एक अंश ही पिंड है, इसी प्रकार पिता के अंग प्रतंगों का सत्व वीर्य बिंदु में आता है और उसी वीर्य बिंदु से गर्भ होता है, इसीलिए गर्भ में पिता के अंग प्रतंगों का सत्व आया हुआ होता है। इस प्रकार एक दृष्टि से यह गर्भ सब ब्रह्मांड का सत्वांश है और दूसरी दृष्टि से यह गर्भ पिता का सत्वांश है। गर्भ में मानो इतनी प्रचंड शक्तियां हैं, इसीलिए गर्भ की जितनी सुरक्षा हो उतनी करनी चाहिए और उसकी जितनी प्रकार उन्नति हो सके उस प्रकार यत्न करना चाहिए। मंत्र 2 से 5 तक देवताओं की प्रार्थना है कि सब देव इस गर्भ की रक्षा से सहायता देवें और जो देवताओं के अंश यहाँ रह रहे हैं उनको अपनी शक्ति से सुरक्षित रखें और बढ़ावें। पाठक यहाँ स्मरण रखें कि रक्षा तो देवों द्वारा ही होनी है, मनुष्य का कार्य इतना ही है कि वह उसमें रुकावट ना करे। जिस प्रकार बंद कमरे में सदा रहने से सूर्य देव की रक्षा से मनुष्य दूर रहते हैं, उसी प्रकार अन्य नए देवों की रक्षा से मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण दूर रहता है। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह अपने आप को इन देवताओं के स्वाधीन करे।
ऐसा करने से इसकी उत्तम रक्षा हो सकती है। धर्म की भी सुरक्षितता के लिए गर्भिणी स्त्री शुद्ध वायु में तथा धूप आदि में अपने आप को रखे और सूर्य आदि देवों से जो रक्षा प्राप्त होती है उससे लाभ उठावे तो अधिक लाभ हो सकता है। गर्भ उत्तम रीति से बढ़कर 10वें मास में माता के उदर से बाहर आना चाहिए। यह समय उनकी पूर्ण वृद्धि का है। यह बात दशम मंत्र में कही गई है। अन्य मंत्र गर्भाधान विषयक हैं, वे सुविज्ञ पाठक सहज ही में समझ सकते हैं। अथर्ववेद यज्ञ 26 नवशालायाम व्रत होमः ऋषि ब्रह्मा देवता वास्तोष्पतिः नाना देवताः। यज्ञ में आत्मसमर्पण। स्वः शब्द का अर्थ अपना कहने योग्य जो जो पदार्थ हैं उन सब का जगत की भलाई के लिए समर्पण करना है। वास्तविक रीति से यह यज्ञ में आत्मशक्ति का समर्पण अत्यंत मुख्य भाग है। मानो इसके बिना कोई यज्ञ हो नहीं सकता। यज्ञ में आहुति देते समय स्वहम न मम, यह पदार्थ मैंने यज्ञ में दिया है, अब यह मेरा नहीं है। यह मंत्र जो पढ़ा जाता है उसका तात्पर्य आत्मसमर्पण का पाठ देना ही है। इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र में स्वह शब्द का पाठ इसीलिए किया गया है। अग्नि सविता इंद्र मरुत अदिति विष्णु त्वष्टा भग सोम अश्विनो बृहस्पति आदि सब देवताएं जगत के यज्ञ में अपना अपना कार्य कर रही हैं, अर्थात अपनी अपनी शक्तियों का समर्पण कर रही हैं। यह देवताओं का आत्मसमर्पण देखकर हर एक मनुष्य को उचित है कि वह भी अपनी संपूर्ण शक्ति यज्ञ में समर्पित करे और अपने जीवन की सार्थकता द्वारा यज्ञ द्वारा करे। अग्नि उष्णता देता है, सविता प्रकाश देता है, इंद्र चमकता है, मरुत जीवन देते हैं, अदिति आधार देती हैं, विष्णु सर्वत्र व्यापकर सबकी रक्षा करते हैं, त्वष्टा सब पदार्थों के रूप बनाते हैं, भग सबको भाग्यवान बनाते हैं, सोम सबको शांति देते हैं, अश्वनी देव सबके दोष दूर करते हैं, बृहस्पति सबको ज्ञान देते हैं कि वह एक ही परमात्मा देव इतनी शक्तियों द्वारा जगत का यज्ञ सांग संपूर्ण करते हैं। ये सब देव ये कार्य अपने सुख के लिए नहीं करते, परंतु सब जगत की भलाई के लिए आत्मशक्ति का समर्पण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य भी अपनी तन मन धन आदि सब शक्तियों का यज्ञ जनता की भलाई के लिए करे और इस आत्म सर्वस्व समर्पण के यज्ञ द्वारा अपने जीवन की सफलता करें। इस प्रकार यज्ञमय जीवन व्यतीत करने को उपदेश इस सूक्त में दिया गया है। यहाँ पंचम अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद अग्नि की उधर्वगति 27 अग्नि ही ऋषि ब्रह्मा देवता अग्नि ही यज्ञ का महत्व। यह सूक्त यज्ञ की प्रशंसा पर है। यज्ञ याग करने से दिव्य लोक में जाने का मार्ग खुला होता है, यह बात द्वितीय मंत्र में कही गई है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला ऊपर जाती है और कभी नीचे की दिशा में नहीं जाती, ठीक उसी प्रकार अग्नि की उपासना करने वाला याजक सीधा उच्च मार्ग से उच्च गति प्राप्त करता है। यज्ञ याग का यह मान फल है। यज्ञ के द्वारा मातृभाषा मातृ सभ्यता और मातृभूमि का आदर बढ़ता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा इनकी ही सेवा की जाती है। यज्ञ में इनके लिए अग्रस्थान मिलता है, यह बात नवम मंत्र में कही है। इस सूक्त में कहे अग्नि के विशेषण विचार करने योग्य हैं। उन गुणों का मनन करके उनसे बोधित होने वाले गुण उपासक को अपने अंदर बढ़ाने चाहिए, उन्नति का यह सीधा मार्ग है। अथर्ववेद दीर्घायु और तेजस्विता 28 दीर्घायु ऋषि अथर्वा देवता त्रिव्रत अग्नयादय। दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए नव प्राणों को नव इंद्रियों में सम प्रमाण में स्थिर करते हैं। सुवर्ण के 3, चांदी के 3 और लोहे के 3 मिलकर 9 धागे उष्णता से इकट्ठे जोड़ देते हैं। यह सुवर्ण का यज्ञोपवित होता है, जिसके 3 धागों में क्रमशः भूमि जल अग्नि चंद्र अंतरिक्ष सूर्य धूलोक दिशा उपदिशाएं और ऋतु आदि काल विभाग ये नव दिव्य तत्व रहते हैं। वह 3 धागों वाला यज्ञोपवित मुझे दुखों से पार करके दीर्घ जीवन देवे। इस तिहरे उपवीत से 3 पुष्टियां मिलती हैं। पोषणकर्ता परमेश्वर हमें दूध घी और भरपूर देवे। अज की पुष्टि, मनुष्यों की सहायता, पशुओं की विपुलता, ये 3 पुष्टियां हमें यहाँ मिले।
आदित्य हमें सब वसुओं की शक्ति प्रदान करें, अग्नि हमारी वृद्धि करे, इंद्र वीर्य बढ़ावे। इस प्रकार यह तिहरा यज्ञों पर्यत सब दुखों से पार करने वाला हमारे ऊपर स्थिर रहे। सुवर्ण के धागे से भूमि रक्षा करे, लोहे के धागे से सबका पोषक अग्नि हमारी पूर्णता करे, तथा चांदी के धागे से औषधियों की शक्तियों के साथ हमें उत्तम मन युक्त बल प्राप्त होवे। स्वभावतः सुवर्ण तीन प्रकार का है, एक अग्नि के लिए प्रिय है, दूसरा सोम के रस के रूप से प्राप्त होता है और तीसरा सारभूत जल जो वीर रूप से शरीर में रहता है। यह तीसरा स्वर्ण है, यह मेरी आयु बढ़ाने वाला होवे। जमद अग्नि और कश्यप की बाल तरुण और वृद्ध अवस्था में व्यापने वाले तिहरी आयु मानो अमृत का साक्षात्कार करने वाली है। यह तीन प्रकार की आयु हमें प्राप्त होवे। तीन बड़ी शक्तियां हैं जो एक ही अक्षर में रहती हैं। उस अमृत से सब अनिष्ट दूर होते हैं और उससे मृत्यु को दूर किया जाता है। सुवर्ण धुलोक चांदी अंतरिक्ष से और लोहा भूमि से तेरी रक्षा करे। ये देवों की नगरियां ही प्राप्त हुई हैं। ये तीन देव नगरियां हैं, ये तीनों सबकी रक्षा करें। इनका धारण करने वाला तेजस्वी होकर शत्रुओं को नीचे कर देता है। देवों की सुवर्णमय नगरी अमृत से परिपूर्ण है। जो पहला देव इसको सबसे पहले स्थिर करता है उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। यह तिहरा उपवीत मैं अपने शरीर पर बांधता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। अर्यमा पूषा बृहस्पति और दिन में प्रकाशने वाले सूर्य ये सब देव यज्ञोपवीत धारण करने के लिए तुझे अनुमति देवें। संवत्सर ऋतु और अन्य काल विभागों के तेज से तुझे संयुक्त करके तुझे दीर्घ आयु और उत्तम तेज देते हैं। यह घृत आदि पौष्टिक पदार्थों से युक्त मधु आदि मधुर पदार्थों से परिपूर्ण भूमि के समान सुदृढ़ ना गिराने वाला और सब दुखों से पार करने वाला है। यह शत्रुओं को छिन्न भिन्न करता है और उनको नीचे करता है। यह उपवीत बड़ा सौभाग्य मुझे देकर मेरे ऊपर रहे। यज्ञोपवीत का धारण। इस सूक्त में यज्ञोपवीत के महत्व का वर्णन किया है। यज्ञोपवीत के वर्णन के विषय में अत्यंत थोड़े से मंत्र भाग वेद में है, परंतु यह संपूर्ण सूक्त का सूक्त दीर्घ आयु और तेजस्विता का उपदेश करते करते यज्ञोपवीत के महत्व का वर्णन कर रहा है, इसीलिए इस सूक्त का महत्व विशेष है। इस सूक्त का पठन करके पाठक यज्ञोपवीत का महत्व जाने और यज्ञोपवीत धारण करते समय मन में समझे कि मैं इतने महत्व का यह यज्ञ सूत्र धारण कर रहा हूँ। तीन धागे, सब जानते हैं कि यज्ञोपवीत में तीन सूत्र होते हैं और प्रत्येक सूत्र में फिर तीन तीन धागे होते हैं, अर्थात सब मिलकर नव सूत्र हो गए। ये तीन धागे इस प्रकार बने, हरिते त्रिणी रजते त्रिणी अयसी त्रिणी, सुवर्ण के तीन चांदी के तीन और लोहे के तीन, अर्थात प्रत्येक सूत्र के अंदर सोना चांदी और लोहे के तार हों। इस प्रकार तीन धातुओं से बना हुआ यह यज्ञोपवीत होना चाहिए। अयस शब्द का प्रसिद्ध अर्थ लोहा है, परंतु इसका दूसरा अर्थ केवल धातु मात्र ऐसा भी है, अर्थात तांबा भी इसका अर्थ हो सकता है। सुवर्ण का यज्ञोपवीत, यह यज्ञोपवीत सोना चांदी और तांबे का बने अथवा सोना चांदी और लोहे का बने, इस विषय में अधिक खोज करना चाहिए। ये तीनों धातु इस प्रकार शरीर पर धारण करने से शरीर में कुछ मंदसा विद्युत प्रवाह शुरू होता है, जिससे शरीर का स्वास्थ्य बल और दीर्घायु प्राप्त होना संभव है। ये तीनों धातुओं के तार उष्णता से परस्पर जुड़े हुए हों, अर्थात एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई अवस्था में रहें, तभी ये तार कार्य करते हैं। जिस प्रकार इंद्रिय और प्राण 100 वर्ष की दीर्घ आयु के लिए जिस प्रकार नव प्राणों को नव इंद्रियों में मिलाना चाहिए, अर्थात दीर्घायु प्राप्त करना हो तो प्राणों का शरीर से इंद्रियों से और अवयवों से वियोग शीघ्र ना हो सके ऐसा प्रबंध करना चाहिए, अर्थात प्राण को अपने शरीर के इस अवयवों में कार्य करने योग्य बनाना चाहिए। यह बात प्राणायाम से उत्पन्न होने वाली अग्नि से होती है। जो प्राणायाम से अपना बल नहीं बढ़ाते उनकी किसी अवयव में प्राण शक्ति नहीं कार्य करती, ऐसा होने से वह अवयव अपना कार्य करने में असमर्थ होता है। कई मनुष्यों के कई अवयव कमजोर होते हैं, इसका कारण यही है, यही कमजोरी आयु को क्षीण करती है।
इसी प्रकार तीन धातुओं के ये नव धागे उष्णता से इकट्ठे हुए शरीर का आरोग्य बल और दीर्घ आयु बढ़ाते हुए शरीर में उत्साह कायम करते हैं। इस यज्ञोपवीत के नव धागों में निम्नलिखित नव देवताएं रहती हैं: भूमि, अग्नि, आपह, अंतरिक्ष, चंद्रमा, दिशा और धो, सूर्य, ऋतु। ये नव देवताएं इस तिहरे यज्ञोपवीत में रहकर मुझे दुखों से पार करें। पृथ्वी स्थानीय तीन देव, अंतरिक्ष स्थानीय तीन देव और धू स्थानीय तीन देव, ये सब नव देव यज्ञोपवीत के नव धागों में रहकर मुझे दुखों से दूर करें। यह इच्छा इस मंत्र में प्रकट की गई है। यज्ञोपवीत धारण करने का आशय इतने देवताओं का तेज और वीर्य अपने अंदर धारण करना तथा इनके विषय में अपना कर्तव्य करना है। यज्ञोपवीत केवल भूषण के लिए धारण नहीं किया जाता, यह तो बड़ी भारी जिम्मेवारी का कार्य है। तीनों लोकों और उनमें स्थित सब दैवी शक्तियों के साथ अपना संबंध व्यक्त करने के लिए यह निवृत्त सूत्र धारण किया जाता है। इस संबंध से अपना उनके विषय कर्तव्य जानना और उनसे दिव्य तेज प्राप्त करना चाहिए। जो यह ना करेगा उसके लिए यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत नहीं रहता। यज्ञोपवीत धारण करने वालों को इस मंत्र का उपदेश अपने मन में अवश्य धारण करने योग्य है। इस यज्ञोपवीत में तीन प्रकार की पोषण शक्तियां हैं। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र देखिए। तीन पुष्टियां इस तिहरे यज्ञोपवीत के आश्रय से रहें। अन्न की विपुलता अनुयायी, मनुष्यों की विपुलता और पशुओं की विपुलता, ये तीनों विपुलताएं इस यज्ञोपवीत के आश्रय से रहें। यज्ञोपवीत धारण करने वाले यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में बहुत मनुष्य सम्मिलित होते हैं और संगठन होकर मनुष्यों की संघ शक्ति बढ़ती है। यज्ञ के कारण प्रजन्य आदि ठीक रीति से होते हैं, इस कारण विपुल अन्न प्राप्त होता है और यज्ञ में दुग्ध और घी के हवन के लिए गौ आदि बहुत पशु लाए जाते हैं। पशुओं की शक्तियां बढ़ाई जाती हैं, इस कारण पशुओं की भी उन्नति होती है। ये तीनों लाभ यज्ञ से होते हैं और यज्ञ का अधिकार इस यज्ञोपवीत से प्राप्त होता है, इसीलिए यज्ञोपवीत से उक्त लाभ होते हैं, ऐसा इस मंत्र में कहा है। चतुर्थ मंत्र में कहा है कि आदित्य से शक्ति, अग्नि से वृद्धि और इंद्र से वीर्य प्राप्त हो और स्त्रवर्त सूर्य से सूत्र से हमारा उत्तम प्रकार से पोषण होवे। इस यज्ञोपवीत के एक धागे में एक एक देवता की शक्ति विद्यमान है, इसीलिए जो मनुष्य इस भावना से यज्ञोपवीत का धारण करता है उसको बहुत लाभ हो सकता है। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र देखिए। भूमि सुवर्ण के धागे से रक्षा करे, लोहे या तांबे के धागे से अग्नि पूर्णता करे तथा चांदी के धागे से औषधियों की सहायता बल धारण होवे। इस प्रकार ये तीन देव यज्ञोपवीत के तीन धागों में रहकर मनुष्यों की उन्नति करते हैं, अर्थात यज्ञोपवीत केवल सूत्र का ही बना नहीं है प्रत्युत वह इन देवताओं की शक्तियों से बना है। यह भाव यहाँ देखने योग्य है। जो यज्ञोपवीत को केवल धागा ही समझते हैं वे उसके महत्व को नहीं जानते। जो सुवर्ण, चांदी और तांबे से अथवा लोहे से बने हुए आभूषण रूप यज्ञोपवीत को धारण करेंगे उनको तो निसंदेह विद्युत संचार शरीर में होने के कारण बड़ा लाभ होगा ही, परंतु जो सुवर्ण यज्ञोपवीत धारण करने में असमर्थ हों वे सूत्र का यज्ञोपवीत भी धारण करें, परंतु वह धारण करने के समय इस भावना से धारण करें जिससे इनके मनोबल द्वारा आकर्षित हुई उक्त देवताएं इनकी अवश्य सहायता करेंगी। षष्ठ मंत्र में सुवर्ण के तीन भेद कहे हैं: एक सुवर्ण अर्थात सोना, दूसरा सोम आदि औषधि का रस और तीसरा वीर्य जो शरीर में होता है। यज्ञोपवीत धारियों को उचित है कि वे इन तीनों सुवर्ण का उपार्जन करें, ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर्य स्थित करें, शरीर में वीर्य बढ़ावे और उधरवरेता बने। शरीर पोषण के लिए सोम आदि औषधियों का रस, कंद मूल फल का ही सेवन करें और सबके साथ दूध, घृत आदि हविष्य पदार्थों का ही सेवन करें, अर्थात मध्य मास आदि का सेवन ना करें, और तीसरा सोना अर्थात धन आदि प्राप्त करें। ये तीनों पदार्थ इस मंत्र में उपलक्षण रूप हैं और इनमें वीर्य, अन्न और धन का बोध मुख्यतया होता है।
यज्ञोपवित धारण करने वालों को उचित है कि वे इन तीनों का उचित प्रमाण से उपार्जन करें। यज्ञोपवित धारण करने वालों के ऊपर इतने कार्य का भार रखता है। मनुष्य में बाल, तरुण और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं हैं। यज्ञोपवित के तीन धागों में से इन तीन अवस्थाओं का बोध होता है। इन तीन अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक धर्मानुष्ठान करने से यज्ञोपवित धारण करना सार्थक होता है। यह बात सप्तम मंत्र के त्रायायुषम त्रीणी आयुषीम ते अकरम इन शब्दों से व्यक्त होती है। बाल्य, तारुण्य और वार्धक्य ये तीन आयु की अवस्थाएं तीन आयु नाम से इस मंत्र में कही हैं। जिस प्रकार सारे यज्ञोपवित में एक ही धागा तीन सूत्रों में परिणत हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य के धर्माचरण का एक ही धागा पूर्वोक्त तीनों आयुधों में आयु रूप हो जाना चाहिए। ओंकार के तीन शक्तियां एक ही ओम रूपी अक्षर में ओम ये तीन महाशक्तियां रहती हैं। त्रयः एकाक्षरम आयनः तीन शक्तियां एक ही अक्षर में बसती हैं। ये तीनों शक्तियां मृत्यु को दूर करती हैं और अनिष्ट दुख आदि को हटाती हैं। ओंकार नामक एक ही अक्षर में अकार उकार मकार नामक तीन शक्तियां हैं। ये तीन अक्षर यज्ञोपवित के तीन सूत्र समझिए। जिस प्रकार इन तीन अक्षरों के एक रूप संयोग से ओंकार रूप महानाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तीनों सूत्रों से मिलकर एक यज्ञोपवित होता है। इसीलिए इस यज्ञोपवित पूर्वोक्त तीनों महाशक्तियों का बोध करता है। ओम इन तीन अक्षरों से क्रमशः जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बोधित होती हैं। मनुष्य का संपूर्ण जीवन इन तीन अवस्थाओं में व्याप्त है। मानो मनुष्य का जीवन रूपी जो एक महायज्ञोपवित है, उसके तीन धागे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये ही तीन हैं। इनको यज्ञ रूप बनाने का कार्य यज्ञोपवित धारण करने वालों को अवश्यमेव करना चाहिए। ओम के अनेक अर्थ हैं, उनका विचार यहाँ पाठक करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इस यज्ञोपवित द्वारा कितने शुभ कर्मों को करने का भार यज्ञोपवित धारियों पर रखा गया है। विस्तार होने के भय से हम इन अक्षरों के तत्व ज्ञान का विचार यहाँ करके लेख का विस्तार बढ़ाना नहीं चाहते। ओंकार के ऊपर बहुत से ग्रंथ निर्माण हुए हैं। यदि पाठक उनके आशय को यहाँ विचारार्थ ध्यान में लाएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इस मंत्र ने कितने महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। देवों के नगर सुवर्ण का धुलोक से, चांदी का मध्य भाग से और लोहे का भूमि स्थान से रक्षा करें। इस मंत्र में शरीर के तीनों भागों का रक्षण करने का कार्य तीन धातुओं से निर्मित तीन धागे करें ऐसा कहा है। शरीर में धुलोक सिर में, मध्य भाग अथवा अंतरिक्ष लोक नाभि में और भूलोक पांव में है। इसीलिए सिर पर सुवर्ण, मध्य भाग में चांदी और पांव में लोहा रखने के समान यह एक ही तिहरा यज्ञोपवित धारण करने वाले की रक्षा करे। अयस शब्द का अर्थ यद्यपि यहाँ हमने लोहा ऐसा किया है, तथापि सुवर्ण और चांदी से कुछ भिन्न अन्य अन्य धातु ऐसा लेने से किसी अन्य धातु का बोध यह शब्द हो सकता है। यह कौन सी धातु है इस विषय में खोज करनी आवश्यक है। लोहा, तांबा या कुछ अन्य धातु यहाँ अपेक्षित हैं, जिसके आभूषण बन सकते हैं। यज्ञोपवित के ये तीन धागे देवों के मानो नगर ही हैं। इनमें दैवी शक्ति भरी है, इसीलिए ये सब प्रकार तेरी रक्षा करें। तू उन तीनों को धारण करके तेजस्वी बन और शत्रुओं की अपेक्षा अधिक ऊंचे स्थान पर आरूढ़ हो। यज्ञोपवित के तीन धागे ये केवल धागे नहीं हैं, ये देवों के नगर ही हैं। अर्थात इनमें अनंत दैवी शक्तियां भरी हैं। जो इस श्रद्धा से इस त्रिवर्त यज्ञोपवित को धारण करेगा वह तेजस्वी होगा और उसके तेज के प्रभाव के कारण उसके सब शत्रु नीचे हो जाएंगे। यह देवों की शक्तियों से परिपूर्ण त्रिवर्त यज्ञोपवित जो मनुष्य अपने शरीर पर धारण करता है, जो इस देवों के अमृत को अपने शरीर पर धारण करता है उसको नमस्कार करता है। अर्थात जो यज्ञोपवित धारण करते हैं वे नमस्कार करने योग्य हैं। यह सूत्र धारण करने से देवत्व प्राप्त होता है। इतने महत्व का यह यज्ञोपवित होने के कारण इसके धारण करने का शक्तिकार तब प्राप्त होता है जबकि श्रेष्ठ लोग धारण करने की अनुमति देवें।
यह तिहरा यज्ञोपवित अपने शरीर पर मैं बांधता हूँ अथवा धारण करता हूँ, इसीलिए मुझे अनुमति दीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ लोगों की अनुमति होने पर ही मैं धारण कर सकता हूँ, इसीलिए आप अनुमोदन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना पहले की जाए, तत्पश्चात महाजनों की आज्ञा मिलने के अनंतर ही वह मनुष्य यज्ञोपवित अपने शरीर पर धारण करे। जिसके मन में आवे वह मनुष्य एकदम इस यज्ञोपवित को धारण नहीं कर सकता। महाजन महात्मा श्रेष्ठ लोग जिसको आज्ञा देवे अर्थात पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा सूचित हुए कर्तव्य करने में जो पुरुष समर्थ हो उसी को वे आज्ञा देवे और वही पुरुष यज्ञोपवित धारण करे। ऐसा करने से यज्ञोपवित का महत्व स्थिर रह सकता है। बिना योग्यता के यदि मनुष्य धारण करेगा तो उसका वह केवल सूत्र ही होगा, परंतु पूर्वोक्त प्रकार जिसने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है उसके शरीर पर धारण किया हुआ यह यज्ञोपवित देवों के नगरों के समान अनंत दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाता है। यज्ञोपवित का केवल सूत का धागा बनाना अथवा उसको दिव्य शक्तियों का केंद्र बनाना इस प्रकार मनुष्य समाज के अधीन है। न्याय, पुष्टि और ज्ञान, इस त्रिव्रत यज्ञोपवित के तीन सूक्त अर्यमा, पूजा और बृहस्पति इन तीन देवताओं के साथ संबंध रखते हैं। अर्यमा श्रेष्ठ कौन है और हीन कौन है इसका निश्चय जो करता है उसको अर्यमा कहते हैं। पुष्टि करने वाले का नाम पूषा होता है और ज्ञानी का नाम बृहस्पति है, अर्थात इन तीन धागों से ज्ञान, पोषण और न्यायकारिता इन तीन दैवी गुणों की सूचना मिलती है। जो यज्ञोपवित धारण करना चाहते हैं वे मानो इन तीन गुणों को अपने जीवन में डालने के उत्तरदाता हैं। देखिए यज्ञोपवित ने कितनी बड़ी भारी कर्तव्य दक्षता मनुष्य पर रखी है। जो ये कर्तव्य पालन करेंगे वे ही यज्ञोपवित धारण करके अधिकारी होते हैं। जिस प्रकार एक वर्ष में 6 ऋतु होते हैं उसी प्रकार मनुष्य की संपूर्ण आयु में 6 ऋतु होते हैं। मनुष्य की आयु 120 वर्षों की मानी जाती है, उसमें प्रायः 20 वर्षों का एक एक ऋतु होता है। आयु कम मानने पर कम वर्षों का भी ऋतु हो सकता है। इन ऋतुओं द्वारा आयु, बल और तेज की प्राप्ति करने के कर्तव्य यज्ञोपवित द्वारा सूचित होते हैं। यह कथन 13वें मंत्र का है। मनुष्य की आयु में जो 6 ऋतु होते हैं उन सब ऋतुओं में अर्थात मनुष्य अपनी आयु भर में ऐसा यत्न करे कि जिससे उनको तेज और बल प्राप्त होकर दीर्घ जीवन भी प्राप्त हो। ब्रह्मचर्य आदि सुनियम पालन करने द्वारा यह सब हो सकता है। इसीलिए इस मंत्र द्वारा ये तीन गुण अपने में बढ़ाने की सूचना मिली है। यज्ञोपवित के तीन सूत्र तेज, बल और दीर्घ आयु प्राप्त करने की सूचना देते हैं। यह बात 13वें मंत्र से मिलती है। पाठक यह उपदेश ठीक प्रकार ध्यान में रखें और उचित अनुष्ठान करके लाभ उठावें। अंतिम 14वें मंत्र में इस त्रिवर्त यज्ञोपवित के कौन से विशेष गुण हैं, इनके धारण करने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं इसका वर्णन किया गया है। वे गुण बोधक शब्द विशेष मनन करने योग्य है। यज्ञोपवित से लाभ, पहला पारयिष्णु अर्थात दुखों से पार करने वाला, कष्टों से बचाने वाला। दूसरा अच्युतम अर्थात ना गिरने वाला अथवा ना गिराने वाला, इनके पहनने से मनुष्य गिरावट से बच सकता है। तीसरा भूमिद्रहम अर्थात मात्र भूमि को बलवान बनाने वाला। चौथा सपत्नाम भिदंतः अर्थात शत्रुओं को नाश करने वाला। पांचवा अघ्राण कृणवत्त अर्थात वैरियों को नीचे करने वाला, दुष्टों को हीन करने वाला। छठा मधुना सम्मक्तम अर्थात सब मधुरता से युक्त मधुरता को देने वाला। सातवां घृतात्त उल्लुलुत्तम अर्थात घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थ देने वाला और पोषण करने वाला। इस प्रकार का सामर्थ्यशाली यह यज्ञोपवित है, इसीलिए हे यज्ञोपवित तू। आठवां महते सौभाग्या मा आरोह बड़े सौभाग्य के लिए मेरे शरीर पर आरोहण कर अर्थात मेरे शरीर पर चढ़कर विराजमान हो। हर एक द्विज को उचित है कि वह इस प्रकार की भावना से और पूज्य भाव से यज्ञोपवित पहने और अपने कर्तव्य कर्म करके अपनी उन्नति का साधन करें। यज्ञोपवित की यही महिमा है। पाठक इसका विचार करें और इस यज्ञोपवित धारण करने से अपने भाग्य बढ़ावें, यज्ञोपवित की महिमा बढ़ावें और यज्ञोपवित धारण करने वालों से सब जगत का कल्याण होवे।
अथर्ववेद रोग कृमि निवारण 29 रक्षोघ्न ऋषि चातनः देवता जात वेदः मंत्रोक्ताः। हे तेजस्वी वैद्य, तो स्वयं वैद्य और औषध बनाने में प्रवीण है। रोग निवारण के उपाय जो यहाँ किए जाते हैं वे ठीक हैं या नहीं इसका निरीक्षण कर। तेरी चिकित्सा से हम गौवे घोड़े और मनुष्यों को उत्तम निरोग अवस्था में प्राप्त कर सकें। तू जल औषधि वायु आदि देवताओं को अनुकूल बनाकर ऐसा प्रबंध कर कि जिससे पीड़ा देने वाले और मांस को क्षीण करने वाले रोग जंतुओं की शरीर में बनी मर्यादा नष्ट हो जावे। जिस मांस भक्षक रोग कृमि ने इनके मांस को खाया है उसका नाश कर उनके सब अवयव नष्ट कर दे। मांस भक्षक रोग कृमियों ने इस रोगी के जो जो अवयव क्षीण किए हैं उनको फिर पुष्ट कर और इनके शरीर में पुनः मांस की वृद्धि होवे। जो शरीर क्षीण करने वाला कृमि कच्चे आधे पक्के पक्के और अधिक पके हुए भोजन में प्रविष्ट होकर सताते हैं उनका समूल नाश किया जावे और यह मनुष्य निरोग हो जावे। दूध छाछ धान्य तथा अन्य भोजन के पदार्थों द्वारा शरीर में प्रविष्ट होकर जो रोग कृमि बनाते हैं सताते हैं उनको दूर किया जावे और यह मनुष्य निरोग बने। जो मांस क्षीण करने वाले कृमि जलपान के द्वारा तथा अनेक मनुष्यों के साथ सोने से शरीर में प्रविष्ट होकर सताते हैं उनको दूर करके यह मनुष्य निरोग बने। जो कृमि दिन के समय अथवा रात्रि के समय अनेक मनुष्यों के साथ सोने के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर सताते हैं उनको दूर करके यह मनुष्य निरोग बने। रक्त और मांस की क्षीणता करने वाले मन को मोहित करने वाले रोग कृमि हैं। इनको इंद्र और सोम के प्रयोग से दूर किया जावे। अग्नि इन कृमियों को सदा दूर करता है। ये क्षीणता करने वाले कृमि अग्नि को परास्त नहीं कर सकते अतः अग्नि द्वारा इन रोगा कृमियों का कुल समूल नाश किया जावे। इस रोगी का जो अवयव क्षीण हुआ था वह फिर पुष्ट होवे और उसके सब अवयव पुनः पुष्ट होवे। जिस प्रकार चंद्रमा बढ़ता है उस प्रकार यह बढ़े। चंद्रमा की कला के समान यह बढ़े। यह रोगी दोष रहित पवित्र व निरोग होवे और दीर्घ काल तक जीवित रहे। जो संविधाएं यज्ञ में हो जाती हैं वह रोग कृमियों का नाश करने वाली हैं। इनको जलाकर अग्नि द्वारा ये रोग कृमि दूर हो। जो कृमि रोगी के मांस को क्षीण करते हैं उनका पूर्ण रीति से नाश करते हैं। इन संविधाओं को जलाकर प्रदीप्त हुई अग्नि इन रोग कृमियों का नाश करे। रोगों की कृमि इस सूक्त में रोग जंतुओं का वर्णन है। कुछ जाति के कृमि हैं जो शरीर में प्रविष्ट होते हैं और विविध यातनाएं उत्पन्न करते हैं। मनुष्य को इनसे बड़े कलेश होते हैं। इन कृमियों को दूर करने का साधन इस सूक्त में बताया गया है। यह साधन वैद्य औषधि और अग्नि है। इस सूक्त में इन कृमियों का जो वर्णन है वह पहले देखिए। पहला यह दिदेवह जो शरीर में पीड़ा देते हैं जिनके कारण शरीर मथित हुए समान अशक्त होता है अवयव टूट जाने के समान जिसमें अशक्तता आ जाती है। दूसरा यत्मह जगासह जो शरीर को खा जाता है और क्षीण करता है। तीसरा पिशाच मांस खाने वाला रक्त पीने वाला जो रोग कृमि शरीर में घुसने के बाद रक्त मांस आदि धातु क्षीण होने लगते हैं। चौथा रतम बृहतम पराभृतम जघम शरीर के रक्त मांस का हरण करते हैं विशेष प्रकार लूटते हैं शरीर की जीवन शक्ति को नष्ट करते हैं और खा जाते हैं। पांचवा क्रव्याद जो शरीर का कच्चा मांस खाते हैं। छठा रुधिर यह रक्त रूप होता है रक्त में मिल जाने वाला है रक्त में रहता है। सातवा मनोहन मन की मनन शक्ति का नाश करता है। जब ये रोग कृमि शरीर में जाते हैं तब मनन शक्ति नष्ट हो जाती है मन क्षीण होता है। आठवां यातु धान यातना धारण करने वाले ये कृमि शरीर में गए तो रोगी को यातनाएं होती हैं। नवा रक्ष क्षीण करने वाला ये सब शब्द रोग जंतुओं के गुण बताते हैं। पाठक इन शब्दों का विचार करके रोग कृमियों का स्वरूप जाने और उनसे होने वाले रोगों के कष्टों का विचार करें। ये कृमि किस प्रकार शरीर में प्रवेश करते हैं इस विषय में देखिए। रोग जंतुओं का शरीर में प्रवेश कच्चा आधे पक्का अच्छा पूर्ण पक्का अधिक पका जो अंक होता है खेती के बिना जो उत्पन्न होता है वह धान्य आदि पदार्थों का भोजन दूध दही मट्ठा छाछ पानी आदि का
पान करना और अमंगल लोगों के बिस्तर पर सोना, इन कारणों से रोग कृमि दिन में तथा रात्रि में शरीर में जाती हैं और रोग उत्पन्न करती हैं। यही बात अन्य रीति से यजुर्वेद में आ गई है। जो अन्न में और पीने के पात्र में रहकर जनों के शरीर में घुसते हैं और उनके स्वास्थ्य को बेद डालते हैं अर्थात बीमार करते हैं, इस मंत्र का स्पष्टीकरण ऊपर लिखे 2-3 मंत्र हैं। पाठक, इस दृष्टि से यजुर्वेद मंत्र और अथर्ववेद मंत्र के तुलना करके मंत्र का ठीक भाव ध्यान में धारण करें। आरोग्य प्राप्ति, उक्त प्रकार रोग कृमि शरीर में जाते हैं, फिर वहां से उनको किस रीति से हटाना होता है इसका विचार अब करना है। इसकी पहली रीति यही है, सुयोग्य वैद्य जो औषध बनाना जानता है, किया जाने वाला प्रयोग पहले से जानता है, इस कारण सुयोग्य वैद्य अपने इलाज से रोगी मनुष्य को निरोग करे। यह वैद्य सब देवों से सहायता प्राप्त करने की रीति जानता हुआ इस रोग की अंतिम मर्यादा को तोड़ डालता है। इस प्रकार उसकी मर्यादा गिराने के पश्चात रोग की जड़ स्वयं नष्ट हो जाती है। देवों के साथ परिचय रखने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक देवता की शक्ति से जो चिकित्सा हो सकती है वह चिकित्सा करके रोग दूर करने की शक्ति रखना। मृतिका चिकित्सा, जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, सौर चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा, वायु चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, मानस चिकित्सा, हवन चिकित्सा आदि सब चिकित्साएं देवताओं की शक्तियों को सहायता से होती हैं। देवों के साथ मिलकर रोग दूर करने का तात्पर्य यही है, चिकित्सक उक्त देवों के साथ रहता हुआ रोग दूर करता है। इस प्रकार उस रोग कृमि का नाश कर और यह अनुपम निरोग हो जावे और इस रोगी को दोष रहित पवित्र और निरोग कर यह मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे। वैद्य को उचित है कि वह रोगी की ऐसी चिकित्सा करे कि रोगी के शरीर के सब दोष दूर हो जावे, रोगी का शरीर पवित्र बने और उनके शरीर से यक्ष्म रोग हट जावे। केवल रोग को रोकने वाले वैद्य अच्छे नहीं होते, रोका हुआ रोग किसी न किसी रूप से कभी न कभी बाहर प्रकट होता ही है। इस लिप से शरीर निर्दोष और मल रहित करके रोग का बीज दूर करना चाहिए। 14वें मंत्र में इस खून सुखाने वाले कृमियों का नाश करने वाली समिधाओं का वर्णन है। यज्ञ वृक्षों की लकड़ियों का यह गुण है, हवन सामग्री के साथ रखते हुए भी यह गुण बढ़ सकता है। हवन चिकित्सा का यह तत्व है, पाठक इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार की चिकित्सा से गोवे, घोड़े और मनुष्यों को निरोग अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। 11वें मंत्र में अग्नि चिकित्सा से इस रोग जंतुओं को दूर करने का संकेत है। जहां ये कृमि होते हैं वहां अग्नि जलाने से अथवा हवन करने से वहां का स्थान निरोग होता है। संसर्ग रोग, कई रोग एक दूसरे के संसर्ग से होते हैं। मलिन लोगों के बिस्तरे में सोने से तथा उनके संसर्ग में रहने से रोग होते हैं। संसर्ग के स्थान में अग्नि प्रदीप्त करने से संसर्ग दोष दूर होते हैं, मिलकर हवन करने से भी इसी कारण संसर्ग दोष दूर हो जाते हैं। रोग हटने का लक्षण, रोग हटते ही मनुष्य का शरीर पुष्ट होने लगता है, यही आरोग्य प्राप्ति का लक्षण है। शरीर में मांस बढ़ना, प्राणी की चेतना प्राप्त होना, चंद्र मा की कलाओं के समान वृद्धि को प्राप्त होना, यह निरोगता का चिन्ह है। चंद्रमा के समान मुख दिखाई देने लगा तो समझना कि यह मनुष्य निरोग है। इस प्रकार इस सूक्त का विचार करने से अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं। आशा है कि पाठक इस प्रकार विचार करके बोध प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद दीर्घायु की प्राप्ति 30 दीर्घायुष्यम ऋषि उन्मोचनः आयुष्य कामः देवता आयुष्यम। हे रोगी, तेरे प्राण को मैं दूर के अथवा समीप के उपाय से तेरे अंदर स्थिर करता हूँ। तू इस मनुष्य लोक में दीर्घकाल तक रह, मरे हुए पूर्वजों के पीछे से शीघ्र ना जा। जो तेरा अपना संबंधी अथवा कोई पराया मनुष्य जो कुछ भी घातक प्रयोग करता है उससे बचने के दो उपाय हैं, एक उन्मोचन और दूसरा प्रमोचन। स्त्री को अथवा पुरुष को द्रोह, माता का पाप और पिता का पाप आदि के कारण जो घात होता है उससे बचने के लिए भी वे ही दो उपाय हैं। माता, पिता, भाई, बहन आदि को द्वारा तैयार किया हुआ औषध रोगी सेवन करे और दीर्घजीवी बने। अपने मन की संपूर्ण शक्ति रोग निवृत्ति में ही विश्वास से लगाई जावे। कोई मनुष्य
यम दूतों के वश में ना जावे और इस शरीर में अर्थात जीवात्मा की नगरी में दीर्घकाल तक रहे। उन्नति का मार्ग जानना चाहिए अर्थात मनुष्य आरोग्य की उन्नति करने के उपाय जाने और रोगों पर आक्रमण करके उनको परास्त करे। हे रोगी, तू डर मत, तू मरेगा नहीं, तेरी पूर्ण आयु बनाता हूँ, तेरे संपूर्ण अवयवों से ज्वर और क्षय दूर करता हूँ। शरीर का दुखना, अंगों का ज्वर, हृदय रोग और क्षय रोग, ये सब तेरे शरीर से दूर हो। तेरे अंदर बोध और प्रतिबोध, ये दोनों मानो ऋषि हैं, एक सुस्ती आने नहीं देता और दूसरा जगा देता है, ये तेरे प्राण रक्षक हैं, ये दिन रात जागते रहें। यहाँ प्राणाग्नि की तुम्हें उपासना करनी चाहिए, इससे तुम्हारे अंदर आत्मा रूपी सूर्य प्रकाशित होता रहेगा। ऐसा करने से गूढ़ अंधकार रूपी मृत्यु से तू दूर होवेगा और अपने प्रकाश से प्रकाशित होवेगा। यम और मृत्यु के लिए नमस्कार है तथा जो मृत्यु के पश्चात ले जाते हैं उन पितरों के लिए भी नमस्कार है। मृत्यु से पार होने की विद्या जो जानता है उस अग्नि से कल्याण प्राप्त करते हैं। प्राण, मन, चक्षु, बल, ये सब शक्तियां शरीर में फिर से निवास करें और यह शारीरिक रूप ने पांव से खड़ा रह सके। यह प्राण और चक्षु की शक्तियों से युक्त हो, शरीर के बल से प्रेरित होवे, अमृत प्राप्ति का उपाय जाने और उससे तेरा प्राण शीघ्र ना चला जावे। तेरा प्राण और अपान तेरे शरीर में दृढ़ता से रहे, सूर्य अपनी किरणों से तुझे ऊपर उठावे अर्थात जीवन देवे। अपनी वाक शक्ति से मैं कहता हूँ कि क्षय, ज्वर तथा अन्य पीड़ाएं इससे दूर की जाती हैं। तू देवों का प्रिय है, यद्यपि तू इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के कारण मरने वाला है, तथापि यह ही कहते हैं कि तू वृद्धावस्था के पूर्व ना मर। आरोग्य युक्त दीर्घ आयु, इस सुक्त में आरोग्य पूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त करने के बहुत से निर्देश हैं। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनका बहुत लाभ हो सकता है। यहाँ दीर्घायु के विषय में मुख्य प्रश्न आत्मविश्वास का है। इस विषय में प्रथम मंत्र का निर्देश देखने योग्य है। आत्मविश्वास से दीर्घायु, यहाँ अर्थात इस शरीर में रहे, प्राचीन पूर्वजों के पीछे मत जा अर्थात शीघ्र ना मर। तेरे शरीर में प्राणों का दृढ़ता से बांधता हूँ। ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा बता रहे हैं कि आत्मविश्वास से दीर्घ आयु होने में सहायता होती है। तू मत मर जा, यह उसी को कहा जा सकता है कि जिसके अधीन शीघ्र या देरी से मरना हो। यदि मनुष्य के अधीन यह बात ना होगी तो इस समय ना मर, वृद्धावस्था के पश्चात मर। इत्यादि आज्ञाएं व्यर्थ होंगी। ये आज्ञाएं कंठरव से कह रही हैं कि मनुष्य की इच्छा शक्ति पर मृत्यु को शीघ्र या देरी से प्राप्त होना अवलंबित है। मैं शीघ्र ना मरूंगा, मैं दीर्घायु होऊंगा, मैं अपनी आयु धर्म कार्य में समर्पण करूंगा। इस प्रकार की मन की सुदृढ़ भावना रही तो सहसा अल्प आयु में मृत्यु ना होगी। परंतु यदि कोई विश्व की क्षणभंगुरता का ही ध्यान करेगा तो वह स्वयं क्षणभंगुर बनेगा। आत्मविश्वास यह अन्य दीर्घ आयु प्राप्ति के अनुष्ठानों की बुनियाद है। अन्य अनुष्ठान तब सिद्ध हो सकते हैं जबकि यह बुनियाद ठीक सुदृढ़ हुई हो। द्वितीय मंत्र में कहा है कि उन्मोचन और प्रमोचन ये दो उपाय हैं जिनसे निरोगता और दीर्घायु सिद्ध हो सकती है। ये विधि क्या है इसकी खोज करनी चाहिए। इनमें से एक विधि आरोग्य बढ़ाने वाला और दूसरा अकाल मृत्यु हरण करने वाला है। कुविचार से अनारोग्य, तृतीय मंत्र में स्त्री पुरुषों को शाप देना, गालियां देना अथवा बुरे शब्द प्रयुक्त करना बुरा है ऐसा कहा है। किसी के साथ द्रोह करना भी घातक है। बुरे शब्द बोलने से प्रथम अपना मन बुरे विचारों से भर जाता है और जो वैसे हीन विचार के शब्द सुनते हैं उनमें वैसे ही हीन भाव जम जाते हैं। इस प्रकार मन का स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए ये बुरे शब्द कारण होते हैं। मन का स्वास्थ्य बिगड़ने से ही शरीर में रोग बीज प्रविष्ट होते हैं और ये रोग बीज उसी कारण वहाँ स्थिर होते हैं। माता पिता का पाप, माता पिता के पापाचरण से भी रोग होते हैं, यह बात चतुर्थ मंत्र में कही है। माता और पिता के किए पापाचरण से तू बीमार होकर पड़ा है। इस मंत्र भाग में स्पष्ट कहा है कि बीमारी का एक हेतु माता पिता के पापाचरण भी हैं। माता पिता के पापी आचार व्यवहार के कारण जन्मत ही लड़के का शरीर निर्बल हो जाता है और बालक जन्म से ही बीमारियों का घर बन जाता है।
गृहस्थ धर्म में रहने वाले लोग इस मंत्र का अवश्य विचार करें, क्योंकि यदि वे कुछ भी पाप करेंगे तो वे अपने वंश को दुख में डालने के दोषी हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि व्यभिचार, मध्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसे हुए लोग न केवल स्वयं दुख भोगते हैं, प्रत्युत अपने वंशजों को भी बीमारियों के महासागर में डाल देते हैं। वेद ने यह मंत्र कहकर जनता के स्वास्थ्य के विषय में बड़ा उत्तम उपदेश दिया है, परंतु पाठकों को चाहिए कि वे इसका मनन करें और आचरण में लावें। पंचम मंत्र में कहा है कि योग्य औषधि का सेवन कर, इतना पथ्य करेगा तो मैं तुम्हें दीर्घायु बनाता हूँ। संदेह मत कर, तू पथ्य पालन करने से अवश्य दीर्घायु वाला हो जाएगा। मानस शक्ति, षष्ठ मंत्र में मन की शक्ति का वर्णन किया है जो विशेष महत्व का है। हे मनुष्य, अपनी सब मानसिक शक्ति के साथ तू यहाँ रहे, यम के दूतों के पीछे ना जा, जीवों की पुरियों में अर्थात शरीर में यहाँ स्थिर रहे। इस मंत्र का संबंध पहले मंत्र के कथन के साथ बहुत ही घनिष्ठ है। अपनी सब मानसिक शक्ति के साथ इच्छा पूर्वक मैं दीर्घायु बनूंगा, ऐसा मन में निर्धार करना चाहिए। मन की शक्ति विलक्षण है, मन की शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी निश्चय से सिद्धि हो सकती है। मन की कल्पना से रोगी मनुष्य निरोग और निरोग मनुष्य रोगी बनता है, बलवान निर्बल होता है और निर्बल भी सबल के समान कार्य करने में समर्थ हो जाता है। मन की यह विलक्षण शक्ति होने के कारण हर एक मनुष्य को उचित है कि वह अपने मन में सुविचारों की धारणा करता हुआ निरोगता पूर्वक दीर्घायु प्राप्त करे। हीन विचार मन में ना आने दे, क्योंकि हीन विचारों से मनुष्य क्षीणायु हो जाता है। मरने के विचार कभी मन में ना आने दें, पूर्ण स्वास्थ्य के विचार ही मन में स्थिर किए जावे। उन्नति का मार्ग, अपनी उन्नति का मार्ग कौन सा है इसका ज्ञान श्रेष्ठ मनुष्यों से प्राप्त करें और तद अनुसार आचरण करें। आरोग्य प्राप्ति के मार्ग का नाम उदयनम पथः है, अर्थात उच्चतर अवस्था प्राप्त करने का यह राजमार्ग है। इस पर से आरोहणम आक्रमणम, अर्थात इस आरोग्य के मार्ग पर आना और उस पर से चलना मनुष्य के लिए लाभदायक है। उन्नति के मार्ग को जानकर ही इस संसार में रह, इस मार्ग पर आना और इसी मार्ग पर से चलना जीवित मनुष्य के लिए हितकारक है। इसीलिए हर एक मनुष्य को उचित है कि वह अपने आरोग्य के बढ़ाने के उपाय को जाने और उनका आचरण करके अपनी आयु और आरोग्य बढ़ावे। इस प्रकार करने से कितने लाभ हो सकते हैं इसका वर्णन अष्टम मंत्र में किया गया है। यदि तू पूर्वोक्त मंत्रों में कहे मार्ग के अनुसार आचरण करेगा तो तू शीघ्र नहीं मरेगा। तू डर मत, मैं तुझे दीर्घायु करता हूँ। जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आचरण करेगा उसके लिए यह आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। पाठक, विचार करके देखिए तो मालूम होगा कि यह मार्ग सीधा है, परंतु मनुष्य प्रलोभन में पड़ता है और फंसता है। मार्गदर्शक दो ऋषि, अपने ही अंदर मार्ग बताने वाले दो ऋषि बैठे हैं। यह ऋषि दशम मंत्र में देखिए, मनुष्य के अंदर बोध और प्रतिबोध अर्थात ज्ञान और विज्ञान, ये दो ऋषि हैं। इनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इनमें से एक सुस्त नहीं है और दूसरा सदा जागता रहता है। यही दो ऋषि मनुष्य के प्राणों के रक्षक हैं, अतः ये दिन रात यहाँ जागते रहे। ये दो ऋषि यहाँ जागते रहने से ही मनुष्य निरोग स्वस्थ और दीर्घायु हो सकता है। ज्ञान विज्ञान से उसको यहाँ का व्यवहार कैसा करना चाहिए इसका ज्ञान हो सकता है। ठीक व्यवहार करके यह मनुष्य अपना स्वास्थ्य उत्तम रखता है और दीर्घायु होता है। व्यक्ति में और समाज में यह बोध और प्रतिबोध अथवा ज्ञान और विज्ञान जागते रहें। जब तक इनकी जागृति रहेगी तब तक उन्नति होना स्वाभाविक है। इसीलिए कहा है, गहरे काले अंधकार रूपी मृत्यु से ऊपर उठ, अर्थात मृत्यु के अंधकार में ना फंस और जीवन के प्रकाश में नित्य रह। यहाँ पूर्वोक्त दो ऋषियों की सहायता से मृत्यु से बचने का उद्देश्य है, क्योंकि वे ही मृत्यु दूर करके दीर्घ जीवन देने वाले हैं। मृत्यु को दूर करना, यहाँ एक बात लक्ष्य में रखने योग्य यही है कि वह यह कि मृत्यु अंधकार है और जीवन प्रकाशमय है। यह अनुभव सत्य है। जीवित मनुष्य का प्रकाश वर्तुल आकाश भर व्यापक होता है। यह प्रकाश वर्तुल मरने के समय शनहे शनहे छोटा छोटा होता जाता है।
जब यह प्रकाश वर्तुक अंगुष्ट मात्र रह जाता है उस समय मनुष्य मरा होता है। मरने वाले मनुष्य को मरने से पूर्व कुछ घंटे ऐसा अनुभव आता है कि जगत के अंदर व्यापने वाला प्रकाश अब घर के अंदर ही रहा है और बाहर अंधकार है। मृत्यु को छाया रूप वर्णन किया गया है। इसका कारण यह है कि यह कवि कल्पना नहीं है परंतु सत्य है। अपने आप को अंधेरे से वेष्टित होने ना दें, आवश्यक है। यही मृत्यु को दूर करने का तात्पर्य है। प्रकाश का महत्व इतना है, यह प्रकाश अपने आत्मा का ही है, बाहर का नहीं है। जीवन का लक्षण, बाहरवे मंत्र में उन पितरों को नमन किया गया है कि जो जीवों को इस लोक से यमलोक में ले जाते हैं। वे कृपा करें और हमारे मृत्यु पार होने के अनुष्ठान में सहायता करें। बारहवे मंत्र में यह कहने के पश्चात 13वें मंत्र में जीवन का लक्षण बताया गया है। मनुष्य के शरीर में प्राण, मन, चक्षु और बल रहें और यह अपने पांव के बल से खड़ा रहे। यह जीवन का लक्षण है। मृत्यु का लक्षण भी इसी से ज्ञात हो सकता है। वह इस प्रकार है, शरीर में प्राण, मन, आंख और बल ना रहे और शरीर अपने पांव पर खड़ा ना रह सके। इन शक्तियों का यहाँ होना और ना होना जीवन और मृत्यु है। और पूर्वोक्त प्रकार मृत्यु को दूर और जीवन को पास किया जा सकता है। पाठक इन मंत्रों का अच्छी प्रकार विचार करेंगे तो उनको इस सूक्त में कहीं जीवन विद्या का ज्ञान हो सकता है। अथर्ववेद, घातक प्रयोग को दूर करना। 31 कृतया परिहरणम ऋषि शक्रह देवता कृतया दूषणम। कच्चा बर्तन, मिश्र धान्य, कच्चा मांस, क्रक वाक पक्षी, मेड़े, बकरी, भेड़ी, एक खुर वाले पशु, दोनों और दांत वाले पशु, गधा, अमूला औषधि, नराची वनस्पति, खेत, गहर पत्य, अग्नि, पूर्वाग्नि, घर या कमरा, सभा, खेल का स्थान, पासे, सेना, बाण और धनुष, दुदुम्भी, कुआ, शमशान, घर, पुरुष की हड्डी, प्रज्वलित अग्नि, मांस जलाने वाला अग्नि आदि स्थानों में दुष्ट लोग घातक प्रयोग करते हैं। उनसे बचने का उपाय करना चाहिए। कुमार्ग से ही यह हिंसक और घातक प्रयोग हुआ करते हैं। यद्यपि दूसरे ने कुमार्ग से ऐसे प्रयोग किए तो भी उनको ठीक प्रकार दूर करने का उपाय हमें करना ही चाहिए। मनुष्य स्वयं उपाय ना जानता हो तो ज्ञानी पुरुषों से उपाय को जान सकता है। जो दूसरों की हिंसा करने का यत्न करता है वह दूसरों की हिंसा करने के पूर्व अपनी ही करता है। जो दूसरे की हिंसा करना चाहता है वह अभागी है। उससे ईश्वर भक्त होने से जो भाग्यवान होते हैं उनका कल्याण ही होता है। ईश्वर ही नीच मनुष्यों को दंड देवे। इस सूक्त का विषय संदिग्ध होने से इसका विशेष स्पष्टीकरण करना कठिन है। यह सोच का विषय है। यहाँ षष्ठ अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद में पंचम कांड समाप्त हुआ। अथर्ववेद का सुबोध भाष्य षष्ठ कांड। अमृतदाता ईश्वर सुक्त पहला। ऋषि अथर्वा देवता सविता। हे योग मार्ग में प्रवृत्त मनुष्य, तू सर्व प्रेरक एक ईश्वर की उपासना कर। रात्रि के समय उनका गुणगान कर, उनका बहुत भजन कर और उनके तेज को मन में धारण कर। वही एक ईश्वर इस भव समुद्र के बीच में सत्य की प्रेरणा करने वाला है। वह ना बाल होता है और ना वृद्ध होता है, अपितु सदा तरुण रहता है। वही सब सुखों को देने वाला है और हिंसा रहित वाणी का प्रवर्तक है। उसी का गुणगान कर। वही सबको प्रेरणा देने वाला एक देव हम दोनों प्रकार के प्रशंसनीय मार्गों पर से प्रगति करें, इसलिए हमें अनंत सुख देता रहे, सदा देता रहे। एक देव की भक्ति। इस सूक्त में एक देव की भक्ति करने का उत्तम उपदेश है। विशेष विचार ना करते हुए इस सूक्त का अर्थ देखने से यह सूक्त सूर्य देव की उपासना करने का उपदेश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य परमात्मा का प्रतिनिधि इस सूर्य में माला में है, इसीलिए इनकी उपासना करने से परंपराया परमात्मा की उपासना हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु यह प्रतीक उपासना साधारण अज्ञ बाल बुद्धि जनों की मन स्थिरता के लिए उपयोगी है। वेद में अग्नि, विद्युत और सूर्य, इनके द्वारा पार्थिव, अनंतरिक्षीय और धुलोक संबंधी तीन दृश्य
तेजों का दर्शन करा के परमात्मोपासना का ही पाठ दिया होता है। इसी नियम के अनुसार यहाँ सविता देव के द्वारा भगवान सूर्य का दर्शन कराते हुए एक अद्वितीय परमात्मा की ही उपासना कही है। इसका उत्तम प्रमाण यह है, दोषो गायह मंत्र 1, रात्रि के समय उनका गुणगान कर, उनकी भक्ति कर, उनकी उपासना कर। यदि दिन में दिखाई देने वाले सूर्य की ही उपासना इस सूक्त में होती तो रात्रि के समय उनका गुणगान कर ऐसा कहना उचित था, क्योंकि सूर्य देव की उपासना दिन के समय ही हो सकती है और रात्रि के समय नहीं। इस सूक्त में तो रात्रि के एकांत समय में उन सूर्य देव का खूब भजन करो ऐसी आज्ञा है। देखिए, दोषो गाय बृहद गाय, रात्रि के समय भजन कर, बहुत भजन कर। इस प्रकार रात्रि के समय भजन करने को ही कहा है। यदि इस सूर्य की ही उपासना इस सूक्त में अभिष्ट होती है तो उनकी उपासना रात्रि का नाम निर्देश करके कैसे कही होती है। इस सूक्त में दिन का नाम तक नहीं है, परंतु रात्रि का स्पष्ट उल्लेख है। इतना ही नहीं, परंतु उस रात्रि में घूमत देही तेज वाले स्वरूप की मन में धारणा कर। सूर्य का तेज दिन में दिखाई देता है, रात्रि के समय नहीं। परंतु यहाँ तो रात्रि के समय सूर्य के तेज का ध्यान करना लिखा है, इसीलिए जो सूर्य रात्रि के समय उपासना के लिए प्राप्त हो सकता है और जिसके तेज की धारणा रात्रि के समय में भी की जा सकती है, उस सूर्य का वर्णन इस सूक्त में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात सूर्य का भी जो सूर्य परमात्मा है, जिनके शासन से यह सूर्य यहाँ प्रकाश कर रहा है, उन परमात्मा रूपी सूर्य की उपासना इस सूक्त द्वारा कही है। इनके गुण की उपासना के समय मनन करना चाहिए, जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार इस सूक्त में हुआ है। पहला बृहत, वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। दूसरा घुमत, वह प्रकाश वाला है। तीसरा देव, वह सब प्रकार के दिव्य से है, वह दाता प्रकाशक और ऐश्वर्य युक्त है। चौथा सविता, वह सबकी उत्पत्ति करने वाला है और सबका ऐश्वर्य बढ़ाने वाला है। पांचवा सिंधु अंतः, इस संसार समुद्र के गहरे स्थान में भी वह विद्यमान है। छठा सत्य स सुनुहु, सत्य की प्रेरणा करने वाला वह सत्य स्वरूप है। सातवां युवा, वह सदा जवान है, वह न कभी बाल था और न कभी बुढ़ा होगा, सदा तरुण जैसा शक्तिशाली है। आठवां सुशिव, उत्तम सुख देने वाला किंवा उत्तम प्रकार सेवा करने योग्य। नौवा अद्रोध वाक्य, हिंसा रहित शब्दों की प्रेरणा करने वाला। दसवां अमृतानी भूरी साविशक्त, अनंत सुखों को देता रहता है। ये 10 गुण इस परमात्मा के इस सूक्त में कहे हैं। उपासक को इन गुणों का मनन करना चाहिए। परमात्मा के इन गुणों का मनन करके, इनकी धारणा मन में करके, अपने अंदर जहाँ तक हो वहाँ तक इन गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। सर्वथा इन गुणों का उत्कर्ष मनुष्य में भी ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं है। जिस अवस्था तक हो सके उस अवस्था तक उत्कर्ष करना आवश्यक है। परमात्मा के इन गुणों का मनन करने से उनके तेजह स्वरूप का साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है। योग मार्ग में प्रवृत्त होकर प्राणायाम ध्यान धारणा की और थोड़ी सी प्रवृत्ति होने से ही प्रकाश दर्शन होने लगता है। इस प्रकाश दर्शन का नित्य स्मरण करने से और इसी को ध्यान में स्थिर करने से योग सिद्ध उन्नति के प्रकाश का मार्ग सिद्ध हो जाता है। यह तेज का केंद्र इस संसार महासागर में सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मन का निश्चय करना चाहिए। उसका तेज, उसके सत्य नियम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करने से उसकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है। अहिंसक वाणी, परमात्मा स्वयं हिंसा रहित वाणी का प्रवर्तक है, अतः जो मनुष्य उनके भक्त होना चाहते हैं वे सदा द्रोह रहित वाणी का प्रयोग करें। अद्रोघ वाक, अर्थात जिन शब्दों में थोड़ा भी द्रोह नहीं, थोड़ी भी हिंसा नहीं, दूसरों को कष्ट देने का थोड़ा भी आशय नहीं, उस प्रकार की वाणी मनुष्यों को बोलना उचित है। इस शब्द द्वारा ईश्वर भक्तों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए यह दर्शाया गया है।
यदि स्वयं परमेश्वर का भी द्रोहमय शब्दों का प्रयोग नहीं करता तो उनके भक्तों को भी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिए, अर्थात भगवत भक्त अपने मन में हिंसा का भाव ना रखें, हिंसा भाव वाणी से प्रकट ना करें और हिंसा का कोई कर्म ना करें। इस प्रकार प्रयत्न करने से कोई समय ऐसा आ जाता है कि जिस समय आपस के मन में हिंसा की लहरें उठती ही नहीं। यह अवस्था अब प्राप्त होती है तब उनके सन्मुख हिंसक जंतु भी हिंसाव्रति भूल जाते हैं। आत्मोन्नति के लिए इस प्रकार आद्रोहव्रति की परम आवश्यकता रहती है। अद्रोहव्रति केवल द्रोह निषेध को ही व्यक्त करती है, ऐसा कोई ना समझे। द्रोह निषेध की अपेक्षा दूसरों का सुख बढ़ाने के लिए आत्मसमर्पण करने की इस व्रति में आवश्यकता है। अहिंसा अद्रोह ये शब्द केवल हिंसा निवृत्ति ही नहीं बताते, प्रत्युत जनता की सेवा करने द्वारा जो भगवान की सेवा होती है उसके करने की भी इसमें आवश्यकता है। सत्य का मार्ग अहिंसा के साथ सत्य का मार्ग भी इस सूक्त में बताया गया है। परमात्मा को सतस्य सुनुः कहा है, यहाँ सुनु शब्द का अर्थ प्रसव करना है। सत्य का प्रसव करने का तात्पर्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अर्थात सत्य रूप बनना है। परमात्मा सत्य का प्रवर्तक है ऐसा कहने से ईश्वर भक्त को उचित है कि वह सत्य निष्ठ बने। अपने उन्नति के लिए सत्य की अत्यंत आवश्यकता है। अहिंसा व्रति और सत्य निष्ठा, इन दो भावनाओं से मनुष्य की उन्नति हो सकती है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। दो मार्ग अहिंसा और सत्य दो प्रशंसनीय मार्ग हैं। इनसे ही मनुष्य मात्र का इन्हीं लोक पर कल्याण हो सकता है। इन दो मार्गों के विषय में इस सूक्त में इस प्रकार कहा है, दोनों उत्तम प्रशंसनीय मार्गों पर से उत्तम रीति से जाने के लिए वह परमात्मा बहुत सुख साधन हमें देता है। यही उसकी अपार दया है। इस जगत में उसने अनंत सुख साधन बनाए हैं और मनुष्यों को दिए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य उन सुख साधनों का अवलंबन करके अहिंसा और सत्य के साधन द्वारा अपनी उन्नति का साधन करे और अंत में परमात्मा को प्राप्त करे। परमेश्वर की अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखनी योग्य है। उक्त दो मार्ग एहिक अभ्युदय साधन और पारमार्थिक निःश्रेष्ठ साधन ये भी हो सकते हैं। धर्म के ये दो अंग ही हैं। परमात्मा ने इस जगत में जो सुख साधन निर्माण किए हैं उनको लेकर अभ्युदय और निःश्रेष्ठ साधन करके परम गति को मनुष्य प्राप्त हो। अथर्वा का अनुयायी इस सूक्त का उपदेश अथर्वण के लिए किया है। थर्व का अर्थ कुटिलता, हिंसा, चंचलता आदि। अजमा थर्व का अर्थ है अकुटिलता, अहिंसा और स्थिरता। जो मनुष्य अकुटिलता और अहिंसा व्रति से चलते हुए मन स्थैर्य प्राप्त करते हैं, अर्थात योग मार्ग का अनुष्ठान करके चित्त व्रतियों का निरोध करते हैं, उनको अथर्वा कहते हैं। इस योग मार्ग के जो अनुयायी होते हैं उनको अथर्वण कहते हैं। इन अथर्वणों की उन्नति किस प्रकार होती है इसका वर्णन इस सूक्त में किया गया है। इस दृष्टि से पाठक इस सूक्त का विचार करेंगे तो उनको आत्मोन्नति के वेद प्रतिपादित योग मार्ग का ज्ञान हो सकता है। आशा है कि पाठक इस सूक्त से अहिंसा और सत्य का महत्व जानकर उनके अवलंबन से अपनी उन्नति का साधन करें और वेद का उपदेश अपने दैनिक आचरण में लाकर इन्हें लोक में परम उन्नति प्राप्त करें।